हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है टोटल धमाल इस फिल्म को वैसे धमाल थ्री नाम से भी जाना जाता है तो इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का सवर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं टोटल धमाल यानी कि धमाल थ्री ये एक धमाल सीरीज की तीसरा पार्ट है इससे पहले धमाल आई थी उसके बाद में धमाल टू आई थी और ये तीसरा पार्ट यानी कि टोटल धमाल तो ये एक 2019 की हिंदी लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है इंदिरा कुमार ने और ये फिल्म नाइनटीन की हॉलीवुड फिल्म इट्स मेड 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 वर्ल्ड जो फिल्म थी उसका कुछ लूजली एडप्टेसन था और कुछ सीन्स है वो 2015 की वेकेशन करके एक फिल्म आई हुई थी अमेरिकन फिल्म थी वो कॉमेडी ड्रामा रोड कॉमेडी ड्रामा तो उससे कुछ सीन्स उठाए हुए और ब्लेंडेड करके जो 2014 की एक हॉलीवुड फिल्म थी अमेरिकन फिल्म वो भी एक कॉमेडी रोमेंटिक कॉमेडी फिल्म थी तो वहाँ से भी कुछ सीन्स को उन्होंने लिया हुआ है और इस तरह से उन्होंने टोटल धमाल यानी कि धमाल थ्री का निर्माण किया हुआ है इससे पहले जो धमाल और डबल धमाल आई हुई थी वो भी किसी ना किसी फिल्म से इंस्पायर थी जैसे कि 2007 की जो धमाल फिल्म थी वो भी एडप्टेसन ही थी वो नाइन्टीन सिक्स सी की जो इट्स मेड 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 वर्ल्ड है उसका ही एडप्टेसन थी और एक दो दूसरी फिल्म थी रेट रेस उससे इंस्पायर होकर बनाई गई थी उसके बाद में डबल धमाल जो बनाई गई थी उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था लेकिन ओवरऑल वो सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वो फिल्म भी थोड़ी बहुत इंस्पायर थी लेकिन ये अब टोटल धमाल जो फिल्म है वो भी जैसे मैंने बताया उस तरह से थोड़ी इंस्पायर्ड है लेकिन ओवरऑल इसको इंडियन वर्जन किया हुआ है हालांकि इसका चौथा पार्ट भी आने वाला है फुल ऑन धमाल वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा उसको इंद्रा कुमारी डिरेक्ट करेंगे जो इस फिल्म के भी डिरेक्टर है स्टोरी आइडिया उनका था लेकिन स्क्रीन प्ले वो वेद प्रकाश पारितोष पेंटर और बंटी राठौर ने लिखा हुआ है टोटल धमाल फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अजय देवगन अशोक तानकेरिया इंद्र कुमार मारकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने जिनको अजय देवगन ने फिल्म्स मारुति इंटरनेशनल श्री अधिकारी ब्रदर्स फोक्स्टार स्टूडियो पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मूर्ति फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन नब्बे करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म को वर्ल्डवाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया है स्टार स्टूडियो ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई केक नाखरा ने एडिटिंग की हुई धर्मेंद्र शर्मा ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सात मिनट की देखने को मिलेगी फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स कंपोज किए हुए गौरव और रोशन ने बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ है संदीप सिरोधकर ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो सारे गवा पाने खरीदे हुए फिल्म में टोटल चार गाने इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन आपको देखने को मिलेंगे गुड्डू रस्तोकी के रोल में दूसरा रोल है अनिल कपूर का जिन्होंने अविनाश यानी कि अभी, अभी पटेल का रोल प्ले किया हुआ है गुड्डू रस्तोगी है वो एक चोर है और जोनी का पार्टनर है वहीं पे अविनाश जो अभी पटेल का रोल है अनिल कपूर का वो एक बिजनेस मैन है माधुरी दीक्षित तो आपको बिंदिया के रोल में दिखाई देंगी यानी कि बिंदु पटेल के रोल में जो एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट है इसके अलावा रितेश देशमुख ने देश, देश लल्लन रॉय का रोल प्ले किया हुआ है जो एक फायर ऑफिसर है अरसदवार से आपको इस फिल्म में आदित्य यानी कि आदित्य श्रीवास्तव के रोल में दिखाई देंगे जो एक टैक्सी ड्राइवर थे जावेद जाफरी ने इस फिल्म में मानव श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में ईशा गुप्ता देखने को मिलेगी जिन्होंने प्राची कर का रोल प्ले किया हुआ है संजय मिश्रा को जोनी डी कोस्टा का रोल दिया गया था जो एक चोर है और गुड्डू का पार्टनर है पितोबास त्रिपाठी इस फिल्म में जिंगोर के रोल में दिखाई देंगे जो एक फायर ऑफिसर है और लल्लन का साइड की के जोनी लिवर ने इस फिल्म में एक कॉमिक पायलट का रोल प्ले किया हुआ है ऑटो चॉपर वाले कॉमिक पायलट का रोल उन्होंने प्ले किया हुआ है बोमन ने आपको शमशेर यानी कि डॉन सिंह के रोल में दिखाई देंगे जो एक पुलिस कमिश्नर है जो गुड्डो और जोनी को पट पकड़ने के लिए इस फिल्म की स्टार्टिंग से ही पीछे पड़ा हुआ है विजय पटनाकर आपको इस फिल्म में अब्बास पटाकर देखने को मिलेंगे रोल में जो एक इंस्पेक्टर का रोल था जो डॉन का पार्ट था मनोज पावा ने इस फिल्म में पिंटो चौकसी का रोल प्ले किया हुआ है जो गुड्डू जोडी का एक फॉर्मर पार्टनर है इसके अलावा महेश मंजरेकर आपको चिनप्पा स्वामी के रोल में दिखाई देंगे जो इनलीगल अटेम करता है ओमकार जूम को डाउन क्लोज डाउन करने के लिए अली इस फिल्म में देखने को मिलेंगे नारियल पाने वाले के रोल में जो एक तमिल स्पीकिंग जंगल वाला पर्सन दिखाया गया है वहीं पे क्रिस्टल द मंकी आपको इस फिल्म में सिक्योरिटी के रोल में देखने को मिलेगा जो प्राची का एक पेट मंकी है वहीं पे सुदेश लेहरी ने अलताफ का रोल प्ले किया हुआ है निहारी का रायजादा आपको इस फिल्म में आदि के प्यार में पड़ने वाले एक लड़की का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी इसके अलावा हंस देव शर्मा आपको इस फिल्म में जो बिल्डिंग से कुत्ता है वो कूद कूद जाता है जो फायर और लल्लन भाई के दो लाख रुपए लिए हुए उसको बचाने के लिए वो व्यक्ति का रोल प्ले किया हुआ है जैकि स्वरूप आपको जी यानी कि वॉइस दिखाई गई है उनकी सोनाक्षी सिन्हा मुंगड़ा वाले गाने में स्पेशल अपेरेंस करती हुई नजर आएगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते इससे पहले रितेश देशमुख अरसदवार से, दे से जावेद जाफरी वो ऑलरेडी पहली जो दो धमाल है उसमें काम कर का चुके उन्होंने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन को तीसरे पार्ट के लिए साइन किया गया था मई 2017 में अनिल कपूर माधुरी दीक्षित को भी मिड नवंबर 2017 में साइन किया गया था और ये करीबन इनकी सात सालों के बाद कोई और कोलेब्रेशन सॉरी सत्रह सालों के बाद यह कोलोपरेशन है पुकार फिल्म के बाद डायरेक्टर एक्टर का ईशा गुप्ता आपको इस फिल्म में देखने को मिली थी उनको जून 2018 को साइन किया गया था 2017 ले को लेवगन फिल्म्स और फोर्टर स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था पेन इंडिया लिमिटेड मंगल मूर्ति फिल्म बाद में इस फिल्म में को प्रोड्यूसर के तौर पर बोर्ड पर जुड़ी हुई थी फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मुंबई से स्टार्ट की गई थी नौ जनवरी दो को शूटिंग को इस फिल्म को पूरी

दूसरा गाना है मुंगड़ा जिसको इनकार फिल्म से रिक्रिएट किया गया था तीसरा गाना था स्पीकर फट जाए चौथा गाना है थीम सॉन्ग तो इस तरह से टोटल चार गाने थे जिसकी लेंथ थी तेरह मिनट पच्चीस सेकंड जिसके राइट सारे गा म्यूजिक ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे और दो हजार सत्रह में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था बाईस जन फरवरी दो को सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को रिलीज किया गया था एक नब्बे करोड़ के हाई बजट के साथ बाईस फरवरी 2019 हज़ार उन्नीस को फॉपस्टार स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ मिली हुई थी इससे पहले धमाल के अच्छे अच्छे पार्ट्स आए हुए थे जिस वजह से इस पार्ट की वजह से एक सीरीज फिल्म थी जिस वजह से इसका एक बस अच्छा खासा था जिसमें अजय देवगन जैसे बड़े स्टार देखने को मिले जिस वजह से फिल्म की एक अलग लेवल पे आ, मार्केटिंग चल रही थी और एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था जिसके चलते इस फिल्म को इंडिया में करीबन सैंतीस स्क्रीन्स मिले हुए थे वहीं पर ओवरसीज पे इस फिल्म को सात छियासी स्क्रीन मिले हुए थे टोटल चौवालीस छियासी स्क्रीन पे इस फिल्म को रिलीज किया गया था और बाद में इस फिल्म को रिलीज करवाया गया जहाँ पे जब इस फिल्म को रिलीज करवाया गया इतनी स्क्रीन पे तो एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था वहीं पे इस फिल्म को पहले 7 दिसंबर 2018 को रिलीज करने वाले थे लेकिन वेफ का काम कंप्लीट ना होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 22 फरवरी 2019 को रिलीज़ किया गया था यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड की तरफ से एक सौ मिनट का सर्टिफिकेशन मिला हुआ था रन टाइम का जहाँ पे यू सर्टिफिकेट दिया गया था इस फिल्म को पहले पाकिस्तान में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ था उस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं किया गया था वहीं पे इस फिल्म के जो मेकर्स मेकर उन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए गए थे पुलवामा अटैक में जो सोल्जर का मृत्यु हुई थी उनकी फैमिली को इस तरह से इस फिल्म के साथ रिलीज के वक्त घटनाएं घटी थीं जब फिल्म को रिलीज किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था आई पे इस फिल्म को करीबन सात पॉइंट तीन की सॉरी चार पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई दस में से करीबन तिहत्तर सौ वोट मिले हुए जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था और उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया था जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने इंडिया से 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था इसके अलावा बाद में इस फिल्म ने एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया फैमिली ऑडियंस की तरफ से जिस वजह से फिल्म का जो लाइफ टाइम डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन था वो एक सौ बयासी करोड़ नौ लाख का निकल के आया हुआ था ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने करीबन छियालीस करोड़ अट्ठारह लाख ,00 का कलेक्शन किया था इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट कलेक्शन किया और तीन दिनों में इस फिल्म में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ था वर्ल्ड वाइड जहाँ पे 90 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने दो करोड़ 27 लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी अब बात करें इस फिल्म के ओ टी राइट्स के ऊपर तो इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉस्टार वालों ने वहीं पर इस फिल्म को डी और ब्लू राय प्रिंट पे सेमारो वालों ने रिलीज करवाया हुआ था फिलहाल में ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी आपको लॉग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म इन्जॉय कर पाओगे टोटल धमाल के नाम के साथ इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर पाओगे वहाँ पर इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है तो इस फिल्म को आप वहाँ पर जरूर इंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टोटल धमाल फिल्म आपको ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉट स्टार ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी विदाउट लॉग इन विदाउट सब्सक्रिप्शन एवी थिंग लिथ सब वहीं पर इस फिल्म का टी वी प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा टोटल धमाल यानी कि धमाल थ्री ये एक धमाल सीरीज की तीसरा पार्ट है इससे पहले धमाल आई थी उसके बाद में धमाल टू आई थी और ये तीसरा पार्ट यानी कि टोटल धमाल तो ये एक 2019 की हिंदी लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है इंदिरा कुमार ने और ये फिल्म 1963 की हॉलीवुड फिल्म इट्स मेड 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 मेड, मेड वर्ल्ड जो फिल्म थी उसका कुछ लूजली एडप्टेसन था और कुछ सीन्स है वो 2015 की वेकेशन करके एक फिल्म आई हुई थी अमेरिकन फिल्म थी वो कॉमेडी ड्रामा रोड कॉमेडी ड्रामा तो उससे कुछ सीन्स उठाए हुए और ब्लेंडेड करके जो 2014 की एक हॉलीवुड फिल्म थी अमेरिकन फिल्म वो भी एक कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी तो वहाँ से भी कुछ सीन्स को उन्होंने लिया हुआ है और इस तरह से उन्होंने टोटल धमाल यानी कि धमाल थ्री का निर्माण किया हुआ है इससे पहले जो धमाल और डबल धमाल आई हुई थी वो भी किसी ना किसी फिल्म से इंस्पायर थी जैसे कि 2007 की जो धमाल फिल्म थी वो भी एडप्टेसन ही थी वो नाइन्टीन थ्री सी की जो इट्स मेड 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 वर्ल्ड है उसका ही एडप्टेसन थी और एक दो दूसरी फिल्म थी रेड रेस उससे इंस्पायर होकर बनाई गई थी उसके बाद में डबल धमाल जो बनाई गई थी उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था लेकिन ओवरऑल वो सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वो फिल्म भी थोड़ी बहुत इंस्पायर थी लेकिन ये अब टोटल धमाल जो फिल्म है वो भी जैसे मैंने बताया उस तरह से थोड़ी इंस्पायर्ड है लेकिन ओवरऑल इसको इंडियन इस वर्जन किया हुआ है हालांकि इसका चौथा पार्ट भी आने वाला है फुल ऑन धमाल वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा उसको इंद्र कुमारी डिरेक्ट करेंगे जो इस फिल्म के भी डिरेक्टर है स्टोरी आइडिया उनका था लेकिन स्क्रीन प्ले वो वेद प्रकाश पारितोष पेंटर और बंटी राठौर ने लिखा हुआ है टोटल धमाल फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अजय देवगन अशोक तानकेरिया इंद्र कुमार मारकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने जिनको अजय देवगन ने फिल्म मारुति इंटरनेशनल श्री अधिकारी ब्रदर्स फॉक स्टार स्टूडियो पेन इंडिया लिमिटेड और मंगलमूर्ति फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 90 करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म को वर्ल्डवाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया है स्टार स्टूडियो ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई केक और नाखरा ने एडिटिंग की हुई धर्मेंद्र शर्मा ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सात मिनट के देखने को मिलेगी फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स कंपोज किए हुए गौरव और रोशी ने बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ है संदीप सिरोधकर ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो सारे गवा पाने खरीदे हुए फिल्म में टोटल चार गाने हैं इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन आपको देखने को मिलेंगे गुड्डू रस्तोकी के रोल में दूसरा रोल है अनिल कपूर का जिन्होंने अविनाश यानी कि अभी, अभी पटेल का रोल प्ले किया हुआ है गुड्डू रस्तोगी है वो एक चोर है और जोनी का पार्टनर है वहीं पे अविनाश जो अभी पटेल का रोल है अनिल कपूर का वो एक बिजनेसमैन है माधुरी दीक्षित आपको बिंदिया के रोल में दिखाई देंगी यानी कि बिंदु पटेल के रोल में जो एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट है इसके अलावा रितेश देशमुख ने देश, देश बंधु लल्लन रॉय का रोल प्ले किया हुआ है जो एक फायर ऑफिसर है अरसद्वार से आपको इस फिल्म में आदित्य यानी कि आदित्य श्रीवास्तव के रोल में दिखाई देंगे जो एक टैक्सी ड्राइवर थे जावेद जाफरी ने इस फिल्म में मानव श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में ईशा गुप्ता देखने को मिलेगी जिन्होंने प्राची कर का रोल प्ले किया हुआ है संजय मिश्रा को जोनी डी कोस्टा का रोल दिया गया था जो एक चोर है और गुड्डू का पार्टनर है पितोबास त्रिपाठी इस फिल्म में जिंगोर के रोल में दिखाई देंगे जो एक फायर ऑफिसर है और ललन का साइड कीक है जॉनी लिवर ने इस फिल्म में कॉमिक पायलट का रोल प्ले किया हुआ है ऑटो चॉपर वाले कॉमिक पायलट का रोल उन्होंने प्ले किया हुआ है बोमन ने आपको शमशेर यानी कि डॉन सिंह के रोल में दिखाई देंगे जो एक पुलिस कमिश्नर है जो गुड्डो और जोने को पट पकड़ने के लिए इस फिल्म की स्टार्टिंग से ही पीछे पड़ा हुआ है विजय पटनाकर आपको इस फिल्म में अब्बास पटाकर देखने को मिलेंगे रोल में जो एक इंस्पेक्टर का रोल था जो डॉन का पार्टनर था मनोज पौवा ने इस फिल्म में पिंटू चौकसी का रोल प्ले किया हुआ है जो गुड्डू जोडी का एक फॉर्मर पार्टनर है इसके अलावा महेश मंजरेकर आपको चिनप्पा स्वामी के रोल में दिखाई देंगे जो इनिगल अटैम करता है ओमकार जूम को डाउन क्लोज डाउन करने के लिए अली इस फिल्म में देखने को मिलेंगे नारियल पानी वाले के रोल में जो एक तमिल स्पीकिंग जंगल वाला पर्सन दिखाया गया है वहीं पे क्रिस्टल द मंकी आपको इस फिल्म में सिक्योरिटी के रोल में देखने को मिलेगा जो प्राची का एक पेट मंकी है वहीं पे सुदेश लेहरी ने अलताफ का रोल प्ले किया हुआ है निहारी का रायजादा आपको इस फिल्म में आदि के प्यार में पड़ने वाले एक लड़की का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी इसके अलावा हंस देव शर्मा आपको इस फिल्म में जो बिल्डिंग से कुत्ता है वो कूद कूद जाता है जो फायर और लल्लन भाई के दो लाख रुपए लिए हुए उसको बचाने के लिए वो व्यक्ति का रोल प्ले किया हुआ है किस रूप आपको जीपीएस यानी कि वॉइस दिखाई गई है उनकी सोनाक्षी सिन्हा मुंगड़ा वाले गाने में स्पेशल अपीयरेंस करती हुई नजर आएगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते इससे पहले रितेश देशमुख अरसदवार वारसी जावेद जाफरी वो ऑलरेडी पहली जो दो धमाल है उसमें काम कर चुके उन्होंने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन को तीसरे पार्ट के लिए साइन किया गया था मई 2017 में अनिल कपूर माधुरी दीक्षित को भी मिड नवंबर 2017 में साइन किया गया था और ये करीबन इनकी सात सालों के बाद कोई और कोलेब्रेशन सॉरी सत्रह सालों के बाद ये कोलोपरेशन है पुकार फिल्म के बाद डायरेक्टर एक्टर का ईसा गुप्ता आपको इस फिल्म में देखने को मिली थी उनको जून दो को साइन किया गया था लेट दिसंबर 2017 को अजय देवगन फिल्म्स और पोस्टर स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था पेन इंडिया लिमिटेड मंगल मूर्ति फिल्म बाद में इस फिल्म में को प्रोड्यूसर के तौर पर बोर्ड पर जुड़ी हुई थी फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मुंबई से स्टार्ट की गई थी नौ जनवरी दो को शूटिंग को इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2018 तक था कंप्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर संदीप का सिरोनने को मिलेगा वहीं पे जो फिल्म के गाने वो कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास करवाए गए जहां पे गौरव और रोशनी ने मिलकर गानों को कंपोज किया हुआ है फिल्म के लिरिक्स है वो कुमार और कुंवर जुनेजा जाने गानों के लिरिक्स लिखे हुए इस फिल्म में पहला गाना है पैसा ये पैसा जो कर्ज फिल्म से रिक्रिएट किया गया है दूसरा गाना है मुंगड़ा जिसको इनकार फिल्म से रिक्रिएट किया गया था तीसरा गाना था स्पीकर फट जाए चौथा गाना है थीम सॉन्ग तो इस तरह से टोटल चार गाने थे जिसकी लेंथ थी तेरह मिनट पच्चीस सेकंड जिसके राइट सारे गामा म्यूजिक वालों ने अच्छे प्राइस में ख़रीदे हुए थे और दो हजार में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था बाईस जन फरवरी दो को सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था एक नब्बे करोड़ के हाई बजट के साथ 22 फरवरी 2019 को फॉफ स्टार स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज मिली हुई थी इससे पहले धमाल के अच्छे अच्छे पार्ट्स आए थे जिस वजह से इस पार्ट की वजह से एक सीरीज फिल्म थी जिस वजह से इसका एक बस अच्छा खासा था जिसमें अजय देवगन जैसे बड़े स्टार देखने को मिले जिस वजह से फिल्म की एक अलग लेवल पे आ, मार्केटिंग चल रही थी और एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था जिसके चलते इस फिल्म को इंडिया में करीब सैंतीस सौ स्क्रीन मिले हुए थे वहीं पे ओवरसीज पे इस फिल्म को सात सौ यहां से स्क्रीनस मिले हुए थे टोटल 4486 स्क्रीन पे इस फिल्म को रिलीज किया गया था और बाद में इस फिल्म को रिलीज करवाया गया जहां पे और जब इस फिल्म को रिलीज करवाया गया इतनी स्क्रीनस पे तो एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था वहीं पे इस फिल्म को पहले 7 दिसंबर 2018 को रिलीज करने वाले थे लेकिन वीएफएक्स का काम कंप्लीट ना होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 22 फरवरी 2019 को रिलीज किया गया था जहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड की तरफ से एक सौ मिनट का सर्टिफिकेशन मिला हुआ था रन टाइम का जहाँ पे यू सर्टिफिकेट दिया गया था इस फिल्म को पहले पाकिस्तान में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ था उस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं किया गया था वहीं पर इस फिल्म के जो मेकर्स थे उन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए गए थे पुलवामा अटैक में जो सोल्जर का मृत्यु हुई थी उनकी फैमिली को इस तरह से इस फिल्म के साथ रिलीज के वक्त घटनाएं घटी थी जब फिल्म को रिलीज किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था आई पे इस फिल्म को करीबन सात पॉइंट तीन की सॉरी चार पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई दस में से करीबन तिहत्तर सौ वोट मिले हुए जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था और उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने इंडिया से 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था इसके अलावा बाद में इस फिल्म ने एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया फैमिली ऑडियंस की तरफ से जिस वजह से फिल्म का जो लाइफ टाइम डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन था वो एक सौ बयासी करोड़ नौ लाख का निकल के आया हुआ था और मार्केट में भी फिल्म ने करीबन छियालीस करोड़ अट्ठारह लाख का कलेक्शन किया था इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसन कलेक्शन किया और तीन दिनों में इस फिल्म में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ था वर्ल्ड वाइड जहाँ पे 90 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने दो करोड़ 27 लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी अब बात करें इस फिल्म के ओ टी राइट्स के ऊपर तो इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो खरीदे हुए डिजनी प्लस होस्टार वालों ने वहीं पर इस फिल्म को डी और ब्लू राय प्रिंट पे सेमारो वालों ने रिलीज करवाया हुआ था फिलहाल में ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी आपको लॉग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म इन्जॉय कर पाओगे टोटल धमाल के नाम के साथ इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर पाओगे वहाँ पर इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है तो इस फिल्म को आप वहाँ पर ज़रूर इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टोटल धमाल फिल्म आपको ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार स्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी विदाउट लॉग इन विदाउट सब्सक्रिप्शन एवी थिंग लिथ सब टाइटल वहीं पर इस फिल्म का टी वी प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा टोटल धमाल यानी कि धमाल थ्री ये एक धमाल सीरीज की तीसरा पार्ट है इससे पहले धमाल आई थी उसके बाद में धमाल टू आई थी और ये तीसरा पार्ट यानी कि टोटल धमाल तो ये एक 2019 की हिंदी लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है इंदिरा कुमार ने और ये फिल्म 1963 की हॉलीवुड फिल्म इट्स मेड 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 मेड, मेड वर्ल्ड जो फिल्म थी उसका कुछ लूजली एडप्टेशन था और कुछ सीन्स है वो 2015 की वेकेशन करके एक फिल्म आई हुई थी अमेरिकन फिल्म थी वो कॉमेडी ड्रामा रोड कॉमेडी ड्रामा तो उससे कुछ सीन्स उठाए हुए और ब्लेंडेड करके जो 2014 की एक हॉलीवुड फिल्म थी अमेरिकन फिल्म वो भी एक कॉमेडी रोमेंटिक कॉमेडी फिल्म थी तो वहाँ से भी कुछ सीन्स को उन्होंने लिया हुआ है और इस तरह से उन्होंने टोटल धमाल यानी कि धमाल थ्री का निर्माण किया हुआ है इससे पहले जो धमाल और डबल धमाल आई हुई थी वो भी किसी ना किसी फिल्म से इंस्पायर थी जैसे कि 2007 की जो धमाल फिल्म थी वो भी एडप्टेसन ही थी वो नाइन्टीन थ्री सी की जो इट्स मेड 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 वर्ल्ड है उसका ही एडप्टेसन थी और एक दो दूसरी फिल्म थी रेट रेस उससे इंस्पायर होकर बनाई गई थी उसके बाद में डबल धमाल जो बनाई गई थी उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था लेकिन ओवरऑल वो सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वो फिल्म भी थोड़ी बहुत इंस्पायर थी लेकिन ये अब टोटल धमाल जो फिल्म है वो भी जैसे मैंने बताया उस तरह से थोड़ी इंस्पायर्ड है लेकिन ओवरऑल इसको इंडियन वर्जन किया हुआ है हालांकि इसका चौथा पार्ट भी आने वाला है फुल ऑन धमाल वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा उसको इंद्र कुमारी डिरेक्ट करेंगे जो इस फिल्म के भी डिरेक्टर है स्टोरी आइडिया उनका था लेकिन स्क्रीन प्ले वो वेद प्रकाश पारितोष पेंटर और बंटी राठौर ने लिखा हुआ है टोटल धमाल फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अजय देवगन अशोक तानकेरिया इंद्र कुमार मारकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने जिनको अजय देवगन ने फिल्म्स मारुति इंटरनेशनल श्री अधिकारी ब्रदर्स फॉक स्टूडियो पेन इंडिया लिमिटेड और मंगलमूर्ति फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन नब्बे करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म को वर्ल्डवाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है स्टार स्टूडियो ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई केक और नाखरा ने एडिटिंग की हुई धर्मेंद्र शर्मा ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सात मिनट की देखने को मिलेगी फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स कंपोज किए हुए गौरव और रोशीन ने बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ है संदीप सिरोधकर ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो सारे गवा पाने खरीदे हुए फिल्म में टोटल चार गाने इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन आपको देखने को मिलेंगे गुड्डू की के रोल में दूसरा रोल है अनिल कपूर का जिन्होंने अविनाश यानी कि अभी, अभी पटेल का रोल प्ले किया हुआ है गुड्डू रस्तोगी है वो एक चोर है और जोनी का पार्टनर है वहीं पे अविनाश जो अभी पटेल का रोल है अनिल कपूर का वो एक बिजनेसमैन है माधुरी दीक्षित आपको बिंदिया के रोल में दिखाई देंगी यानी कि बिंदु पटेल के रोल में जो एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट है इसके अलावा रितेश देशमुख ने देश लल्लन रॉय का रोल प्ले किया हुआ है जो एक फायर ऑफिसर है अरसदवार से आपको इस फिल्म में आदित्य यानी कि आदित्य श्रीवास्तव के रोल में दिखाई देंगे जो एक टैक्सी ड्राइवर थे जावेद जाफरी ने इस फिल्म में मानव श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में ईशा गुप्ता देखने को मिलेगी जिन्होंने प्राची कर का रोल प्ले किया हुआ है संजय मिश्रा को जोनी डी कोस्टा का रोल दिया गया था जो एक चोर है और गुड्डू का पार्टनर है पितोबास त्रिपाठी इस फिल्म में जिंगोर के रोल में दिखाई देंगे जो एक फायर ऑफिसर है और लल्लन का साइड कीक है जोनी लिवर ने इस फिल्म में एक कॉमिक पायलट का रोल प्ले किया है ऑटो चॉपर वाले कॉमिक पायलट का रोल उन्होंने प्ले किया हुआ है बोमन ने आपको शमशेर यानी कि डॉन सिंह के रोल में दिखाई देंगे जो एक पुलिस कमिश्नर है जो गुड्डू और जोनी को पट पकड़ने के लिए इस फिल्म की स्टार्टिंग से ही पीछे पड़ा हुआ है विजय पटनाकर आपको इस फिल्म में अब्बास पटाकर देखने को मिलेंगे रोल में जो एक इंस्पेक्टर का रोल था जो डॉन का पार्ट ना था मनोज पावा ने इस फिल्म में पिंटो चौकसी का रोल प्ले किया हुआ है जो गुड्डू जोंडी का एक फॉर्मर पार्टनर है इसके अलावा महेश मंजरेकर आपको चिनप्पा स्वामी के रोल में दिखाई देंगे जो इनलीगल अटेम्प्ट करता है ओमकार जूम को डाउन क्लोज डाउन करने के लिए अली इस फिल्म में देखने को मिलेंगे नारियल पाने वाले के रोल में जो एक तमिल स्पीकिंग जंगल वाला पर्सन दिखाया गया है वहीं पे क्रिस्टल द मंकी आपको इस फिल्म में सिक्योरिटी के रोल में देखने को मिलेगा जो प्राची का एक पेट मंकी है वहीं पे सुदेश लेहरी ने अल्ताफ का रोल प्ले किया हुआ है निहारी का रायजादा आपको इस फिल्म में आदि के प्यार में पड़ने वाले एक लड़की का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी इसके अलावा हंस देव शर्मा आपको इस फिल्म में जो बिल्डिंग से कुत्ता है वो कूद कूद जाता है जो फायर और लल्लन भाई के दो लाख रुपए लिए हुए उसको बचाने के लिए वो व्यक्ति का रोल प्ले किया हुआ है जय कि स्वरूप आपको जी यानी कि वॉइस दिखाई गई है उनकी सोनाक्षी सिन्हा मुंगड़ा वाले गाने में स्पेशल अपेरेंस करती हुई नजर आएगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते इससे पहले रितेश देशमुख अरसदवार वारसी जावेद जाफरी वो ऑलरेडी पहली जो दो धमाल है उसमें काम कर चुके उन्होंने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन को तीसरे पार्ट के लिए साइन किया गया था मई 2017 में अनिल कपूर माधुरी दीक्षित को भी मिड नवंबर 2017 में साइन किया गया था और ये करीबन इनकी सात सालों के बाद कोई और कोलेब्रेशन सॉरी सत्रह सालों के बाद यह कोलोपरेशन है पुकार फिल्म के बाद डायरेक्टर एक्टर का ईसा गुप्ता इस फिल्म में देखने को मिली थी उनको जून को साइन किया गया था दिसंबर 2017 को लेवग फिल्म्स और स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था पेन इंडिया लिमिटेड मंगल मूर्ति फिल्म बाद में इस फिल्म में को प्रोड्यूसर के तौर पे बोर्ड पे जुड़ी हुई थी फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मुंबई से स्टार्ट की गई थी 9 जनवरी 2018 को शूटिंग को इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2018 तक कंप्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर संदीप सिरोकर का सुनने को मिलेगा वहीं पे जो फिल्म के गाने वो कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास करवाए गए जहाँ पे गौरव और रोशनी ने मिलकर गानों को कंपोज किया हुआ है फिल्म के लिरिक्स है वो कुमार और कुंवर जुनेजा जाने गानों के लिरिक्स लिखे हुए इस फिल्म में पहला गाना है पैसा ये पैसा जो कर्ज फिल्म से रिक्रिएट किया गया है दूसरा गाना है मुंगड़ा जिसको इनकार फिल्म से रिक्रिएट किया गया था तीसरा गाना था स्पीकर फट जाए चौथा गाना है थीम सॉन्ग तो इस तरह से टोटल चार गाने थे जिसकी लेंथ थे 13 मिनट 25 सेकंड जिसके राइट सारेगामा म्यूजिक वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे और 2017 18 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था 22 जनवरी 2019 को सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था एक नब्बे करोड़ के हाई बजट के साथ 22 फरवरी 2019 को फॉफ स्टार स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ मिली हुई थी इससे पहले धमाल के अच्छे अच्छे पार्ट्स आए हुए थे जिस वजह से इस पार्ट की वजह से एक सीरीज फिल्म थी जिस वजह से इसका एक बस अच्छा खासा था जिसमें अजय देवगन जैसे बड़े स्टार देखने को मिले जिस वजह से फिल्म की एक अलग लेवल पे मार्केटिंग चल रही थी और एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था जिसके चलते इस फिल्म को इंडिया में करीबन से 300 स्क्रीन्स मिले हुए थे वहीं पे और ओवरसीज पे इस फिल्म को सात स्क्रीन्स स्क्रीन मिले हुए थे टोटल चवालीस स्क्रीन पे इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और बाद में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया जहाँ पे और जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया इतनी स्क्रीन पे तो एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था वहीं पे इस फिल्म को पहले 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ करने वाले थे लेकिन वे एफ का काम कंप्लीट ना होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 22 फरवरी 2019 को रिलीज़ किया गया था यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का सर्टिफिकेशन मिला हुआ था रन टाइम का जहाँ पे यू सर्टिफिकेट दिया गया था इस फिल्म को पहले पाकिस्तान में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ था उस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं किया गया था वहीं पे इस फिल्म के जो मेकर उन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए गए थे पुलवामा अटैक में जो सोल्जर का मृत्यु हुई थी उनकी फैमिली को इस तरह से इस फिल्म के साथ रिलीज के वक्त घटनाएं घटी थी जब फिल्म को रिलीज किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था आईएमडी पे इस फिल्म को करीबन सात पॉइंट तीन की सॉरी चार पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई है दस में से करीबन तिहत्तर सौ वोट मिले हुए जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था और उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने इंडिया से 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था इसके अलावा बाद में इस फिल्म ने एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया फैमिली ऑडियंस की तरफ से जिस वजह से फिल्म का जो लाइफ टाइम डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन था वो एक करोड़ नौ लाख का निकल के आया हुआ था और सिस मार्केट में भी फिल्म ने करीबन छियालीस करोड़ अट्ठारह लाख का कलेक्शन किया था इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट कलेक्शन किया और तीन दिनों में इस फिल्म में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ था वर्ल्ड वाइड जहाँ पे 90 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने दो करोड़ 27 लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी अब बात करें इस फिल्म के ओ टी राइट्स के ऊपर तो इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो खरीदे हुए डिजनी प्लस होस्टार वालों ने वहीं पर इस फिल्म को डी और ब्लू राय प्रिंट पे सेमारो वालों ने रिलीज करवाया हुआ था फिलहाल में ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी आपको लॉग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर ये फिल्म इन्जॉय कर पाओगे टोटल धमाल के नाम के साथ इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर पाओगे वहाँ पर इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है तो इस फिल्म को आप वहाँ पर ज़रूर इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टोटल धमाल फिल्म आपको ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉट स्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी विदाउट लॉग इन विदाउट सब्सक्रिप्शन एवरी थिंग लिथ सब टाइटल वहीं पर इस फिल्म का टी वी प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा टोटल धमाल यानी कि धमाल थ्री ये एक धमाल सीरीज की तीसरा पार्ट है इससे पहले धमाल आई थी उसके बाद में धमाल टू आई थी और ये तीसरा पार्ट यानी कि टोटल धमाल तो ये एक 2019 की हिंदी लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है इंदिरा कुमार ने और ये फिल्म 1963 की हॉलीवुड फिल्म इट्स मेड 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 वर्ल्ड जो फिल्म थी उसका कुछ लूजली एडप्टेसन था और कुछ सीन्स है वो 2015 की वेकेशन करके एक फिल्म आई हुई थी अमेरिकन फिल्म थी वो कॉमेडी ड्रामा रोड कॉमेडी ड्रामा तो उससे कुछ सीन्स उठाए हुए और ब्लेंडेड करके जो 2014 की एक हॉलीवुड फिल्म थी अमेरिकन फिल्म वो भी एक कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी तो वहाँ से भी कुछ सीन्स को उन्होंने लिया हुआ है और इस तरह से उन्होंने टोटल धमाल यानी कि धमाल थ्री का निर्माण किया हुआ है इससे पहले जो धमाल और डबल धमाल आई हुई थी वो भी किसी ना किसी फिल्म से इंस्पायर थी जैसे कि 2007 की जो धमाल फिल्म थी वो भी एडप्टेसन ही थी वो नाइनटीन सी की जो इट्स मेड 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 वर्ल्ड है उसका ही एडप्टेशन थी और एक दो दूसरी फिल्म थी रेड रेस उससे इंस्पायर होकर बनाई गई थी उसके बाद में डबल धमाल जो बनाई गई थी उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था लेकिन ओवरऑल वो सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वो फिल्म भी थोड़ी बहुत इंस्पायर थी लेकिन ये अब टोटल धमाल जो फिल्म है वो भी जैसे मैंने बताया उस तरह से थोड़ी इंस्पायर्ड है लेकिन ओवरऑल इसको इंडियन इस वर्जन किया हुआ है हालांकि इसका चौथा पार्ट भी आने वाला है फुल ऑन धमाल वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा उसको इंद्र कुमारी डिरेक्ट करेंगे जो इस फिल्म के भी डिरेक्टर है स्टोरी आइडिया उनका था लेकिन स्क्रीन प्ले वो वेद प्रकाश पारितोष पेंटर और बंटी राठौर ने लिखा हुआ है टोटल धमाल फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अजय देवगन अशोक तानकेरिया इंद्र कुमार मारकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने जिनको अजय देवगन ने फिल्म मारुति इंटरनेशनल श्री अधिकारी ब्रदर्स फॉक स्टार स्टूडियो पेन इंडिया लिमिटेड और मंगलमूर्ति फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 90 करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म को वर्ल्डवाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया है स्टार स्टूडियो ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई केक और नाखरा ने एडिटिंग की हुई धर्मेंद्र शर्मा ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सात मिनट की देखने को मिलेगी फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स कंपोज किए हुए गौरव और रोशी ने बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ है संदीप सिरोधकर ने इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट से वो सारे गवा पाने खरीदे हुए फिल्म में टोटल चार गाने इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन आपको देखने को मिलेंगे गुड्डू रस्तोकी के रोल में दूसरा रोल है अनिल कपूर का जिन्होंने अविनाश यानी कि अवि पटेल का रोल प्ले किया हुआ है गुड्डू रस्तोगी है वो एक चोर है और जोनी का पार्टनर है वहीं पे अविनाश जो अभी पटेल का रोल है अनिल कपूर का वो एक बिजनेसमैन है माधुरी दीक्षित आपको बिंदिया के रोल में दिखाई देंगी यानी कि बिंदु पटेल के रोल में जो एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट है इसके अलावा रितेश देशमुख ने देश, देश बंधु लल्लन रॉय का रोल प्ले किया हुआ है जो एक फायर ऑफिसर है अरसद्वार से आपको इस फिल्म में आदित्य यानी कि आदित्य श्रीवास्तव के रोल में दिखाई देंगे जो एक टैक्सी ड्राइवर थे जावेद जाफरी ने इस फिल्म में मानव श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में ईशा गुप्ता देखने को मिलेगी जिन्होंने प्राची कर का रोल प्ले किया हुआ है संजय मिश्रा को जोनी डी कोस्टा का रोल दिया गया था जो एक चोर है और गुड्डू का पार्टनर है पितोबास त्रिपाठी इस फिल्म में जिंगोर के रोल में दिखाई देंगे जो एक फायर ऑफिसर है और ललन का साइड कीक है जोनी लिवर ने इस फिल्म में कॉमिक पायलट का रोल प्ले किया है ऑटो चॉपर वाले कॉमिक पायलट का रोल उन्होंने प्ले किया हुआ है, है। बोमन ने आपको शमशेर यानी कि डॉन सिंह के रोल में दिखाई देंगे जो एक पुलिस कमिश्नर है जो गुड्डो और जोनी को पट पकड़ने के लिए इस फिल्म की स्टार्टिंग से ही पीछे पड़ा हुआ है विजय पटनाकर आपको इस फिल्म में अब्बास पटाकर के देखने रोल को मिलेंगे रोल में जो एक इंस्पेक्टर का रोल था जो डोन का पार्टनर था मनोज पावा ने इस फिल्म में पिंटू चौकसी का रोल प्ले किया हुआ है जो गुड्डू जोन का एक फॉर्मर पार्टनर है इसके अलावा महेश मंजरेकर आपको चिनप्पा स्वामी के रोल में दिखाई देंगे जो इनलीगल अटैम करता है ओमकार जूम को डाउन क्लोज डाउन करने के लिए अली इस फिल्म में देखने को मिलेंगे नारियल पानी वाले के रोल में जो एक तमिल स्पीकिंग जंगल वाला पर्सन दिखाया गया है वहीं पे क्रिस्टल द मंकी आपको इस फिल्म में सिक्योरिटी के रोल में देखने को मिलेगा जो प्राची का एक पेट मंकी है वहीं पे सुदेश लेहरी ने अलताफ का रोल प्ले किया हुआ है निहारी का रायजा आपको इस फिल्म में आदि के प्यार में पड़ने वाले एक लड़की का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी इसके अलावा हंस देव शर्मा आपको इस फिल्म में जो बिल्डिंग से कुत्ता है वो कूद कूद जाता है जो फायर और लल्लन भाई के दो लाख रुपए लिए हुए उसको बचाने के लिए वो व्यक्ति का रोल प्ले किया हुआ है कि स्वरूप किस रूप आपको जीपीएस यानी कि वॉइस दिखाई गई है उनकी सोनाक्षी सिन्हा मुंगड़ा वाले गाने में स्पेशल अपीरेंस करती हुई नजर आएगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते इससे पहले रितेश देशमुख अरसदवार से जावेद जाफरी वो ऑलरेडी पहली जो दो धमाल है उसमें काम कर चुके उन्होंने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन को तीसरे पार्ट के लिए साइन किया गया था मई 2017 में अनिल कपूर माधुरी दीक्षित को भी मिड नवंबर 2017 में साइन किया गया था और ये करीबन इनकी सात सालों के बाद कोई और कोलेब्रेशन सॉरी सत्रह सालों के बाद ये कोलोपरेशन है पुकार फिल्म के बाद डायरेक्टर एक्टर का ईसा गुप्ता आपको इस फिल्म में देखने को मिली थी उनको जून दो को साइन किया गया था लेट दिसंबर 2017 को अजय देवगन फिल्म और पोस्टर स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था पेन इंडिया लिमिटेड मंगल मूर्ति फिल्म बाद में इस फिल्म में को प्रोड्यूसर के तौर पर बोर्ड पर जुड़ी हुई थी फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मुंबई से स्टार्ट की गई थी नौ जनवरी दो को शूटिंग को इस फिल्म को तरह से अगस्त 2018 तक कंप्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर संदीप सिरोदकर का सुनने को मिलेगा वहीं पे जो फिल्म के गाने वो कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास करवाए गए जहां पे गौरव और रोशनी ने मिलकर गानों को कंपोज किया हुआ है फिल्म के लिरिक्स है वो कुमार और कुंवर जुनेजा जाने गानों के लिरिक्स लिखे हुए इस फिल्म में पहला गाना है पैसा ये पैसा जो कर्ज फिल्म से रिक्रिएट किया गया है दूसरा गाना है मुंगड़ा जिसको इनकार फिल्म से रिक्रिएट किया गया था तीसरा गाना था स्पीकर फट जाए चौथा थीम सॉन्ग तो इस तरह से टोटल चार गाने थे जिसकी लेंथ थे तेरा जिसके राइट सारे गामा वालों अच्छी में खरीदे हुए थे और दो हजार में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था बाईस फरवरी दो को सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को रिलीज किया गया था एक नब्बे करोड़ के हाई बजट के साथ 22 फरवरी 2019 को फॉप स्टार स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज मिली हुई थी इससे पहले धमाल के अच्छे अच्छे पार्ट्स आए थे जिस वजह से इस पार्ट की वजह से एक सीरीज फिल्म थी जिस वजह से इसका एक बस अच्छा खासा था जिसमें अजय देवगन जैसे बड़े स्टार देखने को मिले जिस वजह से फिल्म की एक अलग लेवल पे आ, मार्केटिंग चल रही थी और एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था जिसके चलते इस फिल्म को इंडिया में करीब सैंतीस सौ स्क्रीन मिले हुए थे वहीं पे ओवरसीज पे इस फिल्म को सात सौ छियासी स्क्रीन मिले हुए थे टोटल चौवालीस स्क्रीन पे इस फिल्म को रिलीज किया गया था और बाद में इस फिल्म को रिलीज करवाया गया जहाँ पे और जब इस फिल्म को रिलीज करवाया गया इतनी पे तो एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था वहीं पे इस फिल्म को पहले 7 दिसंबर 2018 को रिलीज करने वाले थे लेकिन वेफ का काम कंप्लीट ना होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 22 फरवरी 2019 को रिलीज किया गया था जहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड की तरफ से एक सौ मिनट का सर्टिफिकेशन मिला हुआ था रन टाइम का जहाँ पे यू सर्टिफिकेट दिया गया था इस फिल्म को पहले पाकिस्तान में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ था उस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं किया गया था वहीं पर इस फिल्म के जो मेकर्स थे उन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए गए थे पुलवामा अटैक में जो सोल्जर का मृत्यु हुई थी उनकी फैमिली को इस तरह से इस फिल्म के साथ रिलीज के वक्त घटनाएं घटी थी जब फिल्म को रिलीज किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था आई पे इस फिल्म को करीबन सात पॉइंट तीन की सॉरी चार पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई दस में से करीबन तिहत्तर सौ वोट मिले हुए जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था और उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया था जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने इंडिया से 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था इसके अलावा बाद में इस फिल्म ने एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया फैमिली ऑडियंस की तरफ से जिस वजह से फिल्म का जो लाइफ टाइम डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन था वो एक सौ बयासी करोड़ नौ लाख का निकल के आया हुआ था और मार्केट में भी फिल्म ने करीबन छियालीस करोड़ अट्ठारह लाख का कलेक्शन किया था इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिशन कलेक्शन किया और तीन दिनों में इस फिल्म में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ था वर्ल्ड वाइड जहाँ पे 90 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने दो करोड़ 27 लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी अब बात करें इस फिल्म के ओ टी राइट्स के ऊपर तो इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो खरीदे हुए डिजनी प्लस होस्टार वालों ने वहीं पर इस फिल्म को डी और ब्लू राय प्रिंट पे सेमारो वालों ने रिलीज करवाया हुआ था फिलहाल में ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉट के ऊपर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी आपको लॉग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी डिजनी प्लस हॉट के ऊपर ये फिल्म एंजॉय कर पाओगे टोटल धमाल के नाम के साथ इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर पाओगे वहाँ पर इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है तो इस फिल्म को आप वहाँ पर ज़रूर इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टोटल धमाल फिल्म आपको ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार स्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी विदाउट लॉग इन विदाउट सब्सक्रिप्शन एवी थिंग लिथ सब टाइटल वहीं पर इस फिल्म का टी वी प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा टोटल धमाल यानी कि धमाल थ्री ये एक धमाल सीरीज की तीसरा पार्ट है इससे पहले धमाल आई थी उसके बाद में धमाल टू आई थी और ये तीसरा पार्ट यानी कि टोटल धमाल तो ये एक 2019 की हिंदी लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी फ़िल्म है जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है इंदिरा कुमार ने और ये फिल्म 1963 की हॉलीवुड फिल्म इट्स मेड 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 मेड, मेड वर्ल्ड जो फिल्म थी उसका कुछ लूजली एडप्टेशन था और कुछ सीन्स है वो 2015 की वेकेशन करके एक फिल्म आई हुई थी अमेरिकन फिल्म थी वो कॉमेडी ड्रामा रोड कॉमेडी ड्रामा तो उससे कुछ सीन्स उठाए हुए और ब्लेंडेड करके जो 2014 की एक हॉलीवुड फिल्म थी अमेरिकन फिल्म वो भी एक कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी तो वहाँ से भी कुछ सीन्स को उन्होंने लिया हुआ है और इस तरह से उन्होंने टोटल धमाल यानी कि धमाल थ्री का निर्माण किया हुआ है इससे पहले जो धमाल और डबल धमाल आई हुई थी वो भी किसी ना किसी फिल्म से इंस्पायर थी जैसे कि 2007 की जो धमाल फिल्म थी वो भी एडप्टेसन ही थी वो नाइन्टीन थ्री सी की जो इट्स मेड 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 वर्ल्ड है उसका ही एडप्टेसन थी और एक दो दूसरी फिल्म थी रेट रेस उससे इंस्पायर होकर बनाई गई थी उसके बाद में डबल धमाल जो बनाई गई थी उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था लेकिन ओवरऑल वो सक्सेसफुल फिल्म 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 साबित हुई थी थी वो वो भी भी थोड़ी बहुत थी, लेकिन ये अब टोटल धमाल जो फिल्म है वो भी जैसे मैंने बताया उस तरह से थोड़ी इंस्पायर्ड है लेकिन ओवरऑल इसको इंडियन वर्जन किया हुआ है हालांकि इसका चौथा पार्ट भी आने वाला है फुल ऑन धमाल वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा उसको इंद्र कुमारी डिरेक्ट करेंगे जो इस फिल्म के भी डिरेक्टर है स्टोरी आइडिया उनका था लेकिन स्क्रीन प्ले वो वेद प्रकाश पारितोष पेंटर और बंटी राठौर ने लिखा हुआ है टोटल धमाल फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अजय देवगन अशोक तानकेरिया इंद्र कुमार मारकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने जिनको अजय देवगन ने फिल्म्स मारुति इंटरनेशनल स्त्री अधिकारी ब्रदर्स फॉक स्टूडियो पेन इंडिया लिमिटेड और मंगलमूर्ति फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन नब्बे करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म को वर्ल्डवाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया है स्टार स्टूडियो ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई केक और नाखरा ने एडिटिंग की हुई धर्मेंद्र शर्मा ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सात मिनट की देखने को मिलेगी फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स कंपोज किए हुए गौरव और रोशीन ने बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ है संदीप सिरोधकर ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो सारे गवा पाने खरीदे हुए फिल्म में टोटल चार गाने इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन आपको देखने को मिलेंगे गुड्डू रस्तोकी के रोल में दूसरा रोल है अनिल कपूर का जिन्होंने अविनाश यानी कि अभी, अभी पटेल का रोल प्ले किया हुआ है गुड्डू रस्तोगी है वो एक चोर है और जोनी का पार्टनर है वहीं पे अविनाश जो अभी पटेल का रोल है अनिल कपूर का वो एक बिजनेसमैन है माधुरी दीक्षित आपको बिंदिया के रोल में दिखाई देंगी यानी कि बिंदु पटेल के रोल में जो एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट है इसके अलावा रितेश देशमुख ने देशबंधु बंधु लल्लन रॉय का रोल प्ले किया हुआ है जो एक फायर ऑफिसर है अरसदवार से आपको इस फिल्म में आदित्य यानी कि आदित्य श्रीवास्तव के रोल में दिखाई देंगे जो एक टैक्सी ड्राइवर थे जावेद जाफरी ने इस फिल्म में मानव श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में ईशा गुप्ता देखने को मिलेगी जिन्होंने प्राची कर का रोल प्ले किया हुआ है संजय मिश्रा को जोनी डी कोस्टा का रोल दिया गया था जो एक चोर है और गुड्डू का पार्टनर है पितोबास त्रिपाठी इस फिल्म में जिंगोर के रोल में दिखाई देंगे जो एक फायर ऑफिसर है और लल्लन का साइड कीक है जोनी लिवर ने इस फिल्म में एक कॉमिक पायलट का रोल प्ले किया है ऑटो चॉपर वाले कॉमिक पायलट का रोल उन्होंने प्ले किया हुआ है बोमन ने आपको शमशेर यानी कि डॉन सिंह के रोल में दिखाई देंगे जो एक पुलिस कमिश्नर है जो गुड्डो और जोनी को पट पकड़ने के लिए इस फिल्म की स्टार्टिंग से ही पीछे पड़ा हुआ है विजय पटनाकर आपको इस फिल्म में अब्बास पटाकर देखने को मिलेंगे रोल में जो एक इंस्पेक्टर का रोल था जो डॉन का पार्ट ना था मनोज पावा ने इस फिल्म में पिंटो चौकसी का रोल प्ले किया हुआ है जो गुड्डू जोंडी का एक फॉर्मर पार्टनर है इसके अलावा महेश मंजरेकर आपको चिनप्पा स्वामी के रोल में दिखाई देंगे जो इनलीगल अटेम्प्ट करता है ओमकार जूम को डाउन क्लोज डाउन करने के लिए अली इस फिल्म में देखने को मिलेंगे नारियल पाने वाले के रोल में जो एक तमिल स्पीकिंग जंगल वाला पर्सन दिखाया गया है वहीं पे क्रिस्टल द मंकी आपको इस फिल्म में सिक्योरिटी के रोल में देखने को मिलेगा जो प्राची का एक पेट मंकी है वहीं पे सुदेश लेहरी ने अल्ताफ का रोल प्ले किया हुआ है निहारी का रायजादा आपको इस फिल्म में आदि के प्यार में पड़ने वाले एक लड़की का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी इसके अलावा हंस देव शर्मा आपको इस फिल्म में जो बिल्डिंग से कुत्ता है वो कूद कूद जाता है जो फायर और लल्लन भाई के दो लाख रुपए लिए हुए उसको बचाने के लिए वो व्यक्ति का रोल प्ले किया हुआ है जय कि स्वरूप आपको जी यानी कि वॉइस दिखाई गई है उनकी सोनाक्षी सिन्हा मुंगड़ा वाले गाने में स्पेशल अपेरेंस करती हुई नजर आएगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते इससे पहले रितेश देशमुख अरसदवार वारसी जावेद जाफरी वो ऑलरेडी पहली जो दो धमाल है उसमें काम कर चुके उन्होंने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन को तीसरे पार्ट के लिए साइन किया गया था मई 2017 में अनिल कपूर माधुरी दीक्षित को भी मिड नवंबर 2017 में साइन किया गया था और ये करीबन इनकी सात सालों के बाद कोई और कोलेब्रेशन सॉरी सत्रह सालों के बाद यह कोलोबरेशन है पुकार फिल्म के बाद डायरेक्टर एक्टर का ईसा गुप्ता को मिली थी उनको जून 2018 को साइन किया गया था दिसंबर 2017 को देवगन फिल्म्स और फिल्म स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था पेन इंडिया लिमिटेड मंगल मूर्ति फिल्म बाद में इस फिल्म में को प्रोड्यूसर के तौर पर बोर्ड पर जुड़ी हुई थी फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मुंबई से स्टार्ट की गई थी नौ जनवरी दो को शूटिंग को इस फिल्म को

दूसरा गाना है मुंगड़ा जिसको इनकार फिल्म से रिक्रिएट किया गया था तीसरा गाना था स्पीकर फट जाए चौथा गाना है थीम सॉन्ग तो इस तरह से टोटल चार गाने थे जिसकी लेंथ थी तेरह मिनट पच्चीस सेकंड जिसके राइट सारे गा म्यूजिक ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे और दो हजार में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था बाईस जन फरवरी दो को सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को रिलीज किया गया था एक नब्बे करोड़ के हाई बजट के साथ बाईस फरवरी 2019 हज़ार उन्नीस को फॉपस्टार स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज मिली हुई थी इससे पहले धमाल के अच्छे अच्छे पार्ट्स आए हुए थे जिस वजह से इस पार्ट की वजह से एक सीरीज फिल्म थी जिस वजह से इसका एक बस अच्छा खासा था जिसमें अजय देवगन जैसे बड़े स्टार देखने को मिले जिस वजह से फिल्म की एक अलग लेवल पे आ, मार्केटिंग चल रही थी और एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था जिसके चलते इस फिल्म को इंडिया में करीबन सैंतीस सौ स्क्रीन्स मिले हुए थे वहीं पर ओवरसीज पे इस फिल्म को सात छियासी स्क्रीन मिले हुए थे टोटल चवालीस सौ छियासी स्क्रीन पे इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और बाद में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया जहाँ पे जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया इतनी स्क्रीन पे तो एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था वहीं पे इस फिल्म को पहले 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ करने वाले थे लेकिन वे एफ का काम कंप्लीट ना होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 22 फरवरी 2019 को रिलीज़ किया गया था यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड की तरफ से एक सौ मिनट का सर्टिफिकेशन मिला हुआ था रन टाइम का जहाँ पे यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था इस फिल्म को पहले पाकिस्तान में रिलीज करने वाले थे लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ था उस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज नहीं किया गया था वहीं पे इस फिल्म के जो मेकर उन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए गए थे पुलवामा अटैक में जो सोल्जर का मृत्यु हुई थी उनकी फैमिली को इस तरह से इस फिल्म के साथ रिलीज के वक्त घटनाएं घटी थी जब फिल्म को रिलीज किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था आई पे इस फिल्म को करीबन सात पॉइंट तीन की सॉरी चार पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई दस में से करीबन तिहत्तर सौ वोट मिले हुए जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था और उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने इंडिया से 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था इसके अलावा बाद में इस फिल्म ने एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया फैमिली ऑडियंस की तरफ से जिस वजह से फिल्म का जो लाइफ टाइम डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन था वो एक करोड़ नौ लाख का निकल के आया हुआ था और सिस मार्केट में भी फिल्म ने करीबन छियालीस करोड़ अट्ठारह लाख का कलेक्शन किया था इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट कलेक्शन किया और तीन दिनों में इस फिल्म में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ था वर्ल्ड वाइड जहाँ पे 90 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने दो करोड़ 27 लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी अब बात करें इस फिल्म के ओ टी राइट्स के ऊपर तो इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो खरीदे हुए डिजनी प्लस होस्टार वालों ने वहीं पर इस फिल्म को डी और ब्लू राय प्रिंट पे सेमारो वालों ने रिलीज़ करवाया हुआ था फिलहाल में ये फिल्म आपको डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी आपको लॉग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर ये फिल्म इन्जॉय कर पाओगे टोटल धमाल के नाम के साथ इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर पाओगे वहाँ पर इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है तो इस फिल्म को आप वहाँ पर ज़रूर इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टोटल धमाल फिल्म आपको ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉट स्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी विदाउट लॉग इन विदाउट सब्सक्रिप्शन एवरी थिंग लिथ सब टाइटल वहीं पर इस फिल्म का टी वी प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा टोटल धमाल यानी कि धमाल थ्री ये एक धमाल सीरीज की तीसरा पार्ट है इससे पहले धमाल आई थी उसके बाद में धमाल टू आई थी और ये तीसरा पार्ट यानी कि टोटल धमाल तो ये एक 2019 की हिंदी लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है इंदिरा कुमार ने और ये फिल्म 1963 की हॉलीवुड फिल्म इट्स मेड 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 मेड, मेड वर्ल्ड जो फिल्म थी उसका कुछ लूजली एडप्टेसन था और कुछ सीन्स है वो 2015 की वेकेशन करके एक फिल्म आई हुई थी अमेरिकन फिल्म थी वो कॉमेडी ड्रामा रोड कॉमेडी ड्रामा तो उससे कुछ सीन्स उठाए हुए और ब्लेंडेड करके जो 2014 की एक हॉलीवुड फिल्म थी अमेरिकन फिल्म वो भी एक कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी तो वहाँ से भी कुछ सीन्स को उन्होंने लिया हुआ है और इस तरह से उन्होंने टोटल धमाल यानी कि धमाल थ्री का निर्माण किया हुआ है इससे पहले जो धमाल और डबल धमाल आई हुई थी वो भी किसी ना किसी फिल्म से इंस्पायर थी जैसे कि 2007 की जो धमाल फिल्म थी वो भी एडप्टेसन ही थी वो नाइन्टीन थ्री सी की जो इट्स मेड 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 वर्ल्ड है उसका ही एडप्टेसन थी और एक दो दूसरी फिल्म थी रेड रेस उससे इंस्पायर होकर बनाई गई थी उसके बाद में डबल धमाल जो बनाई गई थी उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था लेकिन ओवरऑल वो सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वो फिल्म भी थोड़ी बहुत इंस्पायर थी लेकिन ये अब टोटल धमाल जो फिल्म है वो भी जैसे मैंने बताया उस तरह से थोड़ी इंस्पायर्ड है लेकिन ओवरऑल इसको इंडियन वर्जन किया हुआ है हालांकि इसका चौथा पार्ट भी आने वाला है फुल ऑन धमाल वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा उसको इंद्र कुमारी डिरेक्ट करेंगे जो इस फिल्म के भी डिरेक्टर है स्टोरी आइडिया उनका था लेकिन स्क्रीन प्ले वो वेद प्रकाश पारितोष पेंटर और बंटी राठौर ने लिखा हुआ है टोटल धमाल फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अजय देवगन अशोक तानकेरिया इंद्र कुमार मारकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने जिनको अजय देवगन ने फिल्म मारुति इंटरनेशनल श्री अधिकारी ब्रदर्स फॉक स्टूडियो पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मूर्ति फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन नब्बे करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है फोक स्टार स्टूडियो ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई केक और नाखरा ने एडिटिंग की हुई धर्मेंद्र शर्मा ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सात मिनट के देखने को मिलेगी फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स कंपोज किए हुए गौरव और रोशी ने बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ है संदीप सिरोधकर ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो सारे गवा पाने खरीदे हुए फिल्म में टोटल चार गाने इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन आपको देखने को मिलेंगे गुड्डू रस्तोकी के रोल में दूसरा रोल है अनिल कपूर का जिन्होंने अविनाश यानी कि अवि पटेल का रोल प्ले किया हुआ है गुड्डू रस्तोगी है वो एक चोर है और जोनी का पार्टनर है वहीं पे अविनाश जो अभी पटेल का रोल है अनिल कपूर का वो एक बिजनेसमैन है माधुरी दीक्षित आपको बिंदिया के रोल में दिखाई देंगी यानी कि बिंदु पटेल के रोल में जो एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट है इसके अलावा रितेश देशमुख ने देश, देश बंधु लल्लन रॉय का रोल प्ले किया हुआ है जो एक फायर ऑफिसर है अरसद्वार से आपको इस फिल्म में आदित्य यानी कि आदित्य श्रीवास्तव के रोल में दिखाई देंगे जो एक टैक्सी ड्राइवर थे जावेद जाफरी ने इस फिल्म में मानव श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में ईशा गुप्ता देखने को मिलेगी जिन्होंने प्राची कर का रोल प्ले किया हुआ है संजय मिश्रा को जोनी डी कोस्टा का रोल दिया गया था जो एक चोर है और गुड्डू का पार्टनर है पितोबास त्रिपाठी इस फिल्म में जिंगोर के रोल में दिखाई देंगे जो एक फायर ऑफिसर है और ललन का साइड कीक है जॉनी लिवर ने इस फिल्म में कॉमिक पायलट का रोल प्ले किया है ऑटो चॉपर वाले कॉमिक पायलट का रोल उन्होंने प्ले किया हुआ है, है। बोमन ने आपको शमशेर यानी कि डॉन सिंह के रोल में दिखाई देंगे जो एक पुलिस कमिश्नर है जो गुड्डो और जोनी को पट पकड़ने के लिए इस फिल्म की स्टार्टिंग से ही पीछे पड़ा हुआ है विजय पटनाकर आपको इस फिल्म में अब्बास पटाकर के देखने रोल को मिलेंगे रोल में जो एक इंस्पेक्टर का रोल था जो डॉन का पार्टनर था मनोज पावा ने इस फिल्म में पिंटू चौकसी का रोल प्ले किया हुआ है जो गुड्डू जोन का एक फॉर्मर पार्टनर है इसके अलावा महेश मंजरेकर आपको चिनप्पा स्वामी के रोल में दिखाई देंगे जो इनलीगल अटैम करता है ओमकार जूम को डाउन क्लोज डाउन करने के लिए अली इस फिल्म में देखने को मिलेंगे नारियल पानी वाले के रोल में जो एक तमिल स्पीकिंग जंगल वाला पर्सन दिखाया गया है वहीं पे क्रिस्टल द मंकी आपको इस फिल्म में सिक्योरिटी के रोल में देखने को मिलेगा जो प्राची का एक पेट मंकी है वहीं पे सुदेश लेहरी ने अलताफ का रोल प्ले किया हुआ है निहारी का रायजा आपको इस फिल्म में आदि के प्यार में पड़ने वाले एक लड़की का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी इसके अलावा हंस देव शर्मा आपको इस फिल्म में जो बिल्डिंग से कुत्ता है वो कूद कूद जाता है जो फायर और लल्लन भाई के दो लाख रुपए लिए हुए उसको बचाने के लिए वो व्यक्ति का रोल प्ले किया हुआ है कि स्वरूप किस रूप आपको जीपीएस यानी कि वॉइस दिखाई गई है उनकी सोनाक्षी सिन्हा मुंगड़ा वाले गाने में स्पेशल अपीयरेंस करती हुई नजर आएगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते इससे पहले रितेश देशमुख अरसदवार से जावेद जाफरी वो ऑलरेडी पहली जो दो धमाल है उसमें काम कर चुके उन्होंने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन को तीसरे पार्ट के लिए साइन किया गया था मई 2017 में अनिल कपूर माधुरी दीक्षित को भी मिड नवंबर 2017 में साइन किया गया था और ये करीबन इनकी सात सालों के बाद कोई और कोलेब्रेशन सॉरी सत्रह सालों के बाद ये कोलोपरेशन है पुकार फिल्म के बाद डायरेक्टर एक्टर का ईसा गुप्ता आपको इस फिल्म में देखने को मिली थी उनको जून दो को साइन किया गया था लेट दिसंबर 2017 को अजय देवगन फिल्म्स और पोस्टर स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था पेन इंडिया लिमिटेड मंगल मूर्ति फिल्म बाद में इस फिल्म में को प्रोड्यूसर के तौर पर बोर्ड पर जुड़ी हुई थी फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मुंबई से स्टार्ट की गई थी नौ जनवरी दो को शूटिंग को इस फिल्म को तरह से अगस्त 2018 तक कंप्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर संदीप सिरोदकर का सुनने को मिलेगा वहीं पे जो फिल्म के गाने वो कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास करवाए गए जहां पे गौरव और रोशनी ने मिलकर गानों को कंपोज किया हुआ है फिल्म के लिरिक्स है वो कुमार और कुंवर जुनेजा जाने गानों के लिरिक्स लिखे हुए इस फिल्म में पहला गाना है पैसा ये पैसा जो कर्ज फिल्म से रिक्रिएट किया गया है दूसरा गाना है मुंगड़ा जिसको इनकार फिल्म से रिक्रिएट किया गया था तीसरा गाना था स्पीकर फट जाए चौथा थीम सॉन्ग तो इस तरह से टोटल चार गाने थे जिसकी लेंथ थे तेरा जिसके सारे गामा वालों अच्छी में खरीदे हुए थे और दो हजार में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था बाईस फरवरी दो को सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को रिलीज किया गया था एक नब्बे करोड़ के हाई बजट के साथ 22 फरवरी 2019 को फॉप स्टार स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज मिली हुई थी इससे पहले धमाल के अच्छे अच्छे पार्ट्स आए थे जिस वजह से इस पार्ट की वजह से एक सीरीज फिल्म थी जिस वजह से इसका एक बस अच्छा खासा था जिसमें अजय देवगन जैसे बड़े स्टार देखने को मिले जिस वजह से फिल्म की एक अलग लेवल पे आ, मार्केटिंग चल रही थी और एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था जिसके चलते इस फिल्म को इंडिया में करीब सैंतीस सौ स्क्रीन मिले हुए थे वहीं पे ओवरसीज पे इस फिल्म को सात सौ छियासी स्क्रीन मिले हुए थे टोटल चौवालीस स्क्रीन पे इस फिल्म को रिलीज किया गया था और बाद में इस फिल्म को रिलीज करवाया गया जहाँ पे और जब इस फिल्म को रिलीज करवाया गया इतनी पे तो एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था वहीं पे इस फिल्म को पहले 7 दिसंबर 2018 को रिलीज करने वाले थे लेकिन वेफ का काम कंप्लीट ना होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 22 फरवरी 2019 को रिलीज किया गया था जहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड की तरफ से एक सौ मिनट का सर्टिफिकेशन मिला हुआ था रन टाइम का जहाँ पे यू सर्टिफिकेट दिया गया था इस फिल्म को पहले पाकिस्तान में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ था उस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं किया गया था वहीं पर इस फिल्म के जो मेकर्स थे उन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए गए थे पुलवामा अटैक में जो सोल्जर का मृत्यु हुई थी उनकी फैमिली को इस तरह से इस फिल्म के साथ रिलीज के वक्त घटनाएं घटी थी जब फिल्म को रिलीज किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था आई पे इस फिल्म को करीबन सात पॉइंट तीन की सॉरी चार पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई दस में से करीबन तिहत्तर सौ वोट मिले हुए जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था और उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया था जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने इंडिया से 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था इसके अलावा बाद में इस फिल्म ने एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया फैमिली ऑडियंस की तरफ से जिस वजह से फिल्म का जो लाइफ टाइम डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन था वो एक सौ बयासी करोड़ नौ लाख का निकल के आया हुआ था और मार्केट में भी फिल्म ने करीबन छियालीस करोड़ अट्ठारह लाख का कलेक्शन किया था इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिशन कलेक्शन किया और तीन दिनों में इस फिल्म में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ था वर्ल्ड वाइड जहाँ पे 90 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने दो करोड़ 27 लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी अब बात करें इस फिल्म के ओ टी राइट्स के ऊपर तो इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो खरीदे हुए डिजनी प्लस होस्टार वालों ने वहीं पर इस फिल्म को डी और ब्लू राय प्रिंट पे सेमारो वालों ने रिलीज करवाया हुआ था फिलहाल में ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी आपको लॉग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म इन्जॉय कर पाओगे टोटल धमाल के नाम के साथ इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर पाओगे वहाँ पर इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है तो इस फिल्म को आप वहाँ पर जरूर इंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टोटल धमाल फिल्म आपको ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार स्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी विदाउट लॉग इन विदाउट सब्सक्रिप्शन एवी थिंग लिथ सब टाइटल वहीं पर इस फिल्म का टी वी प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते इससे पहले रितेश देशमुख अरसदार वारसी जावेद जाफरी वो ऑलरेडी पहली जो दो धमाल है उसमें काम कर चुके उन्होंने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन को तीसरे पार्ट के लिए साइन किया गया था मई 2017 में अनिल कपूर माधुरी दीक्षित को भी मिड नवंबर 2017 में साइन किया गया था और ये करीबन इनकी सात सालों के बाद कोई और कोलेब्रेशन सॉरी सत्रह सालों के बाद ये कोलोपरेशन है पुकार फिल्म के बाद डायरेक्टर एक्टर का ईशा गुप्ता आपको इस फिल्म में देखने को मिली थी उनको जून दो को साइन किया गया था लेट दिसंबर 2017 को अजय देवगन फिल्म और पोस्टर स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था पेन इंडिया लिमिटेड मंगल मूर्ति फिल्म बाद में इस फिल्म को प्रोड्यूसर के तौर पर बोर्ड पर जुड़ी हुई थी फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मुंबई से स्टार्ट की गई थी नौ जनवरी दो को शूटिंग को इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2018 तक कंप्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर संदीप सिरोकर का सुनने को मिलेगा वहीं पे जो फिल्म के गाने वो कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास करवाए गए जहां पे गौरव और रोशनी ने मिलकर गानों को कंपोज किया हुआ है फिल्म के लिरिक्स से वो कुमार और कुंवर जुने जाने गानों के लिरिक्स लिखे हुए इस फिल्म पहला गाना है पैसा ये पैसा जो कर्ज फिल्म से रिक्रिएट किया गया है दूसरा गाना है मुंगड़ा जिसको इनकार फिल्म से रिक्रिएट किया गया था तीसरा गाना था स्पीकर फट जाए चौथा गाना है थीम सॉन्ग तो इस तरह से टोटल चार गाने थे जिसकी लेंथ थी तेरह मिनट पच्चीस सेकंड जिसके राइट सारे गामा म्यूजिक वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे और दो हजार में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था बाईस जन फरवरी दो को सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को रिलीज किया गया था एक नब्बे करोड़ के हाई बजट के साथ 22 फरवरी 2019 को फॉफ स्टार स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज मिली हुई थी इससे पहले धमाल के अच्छे अच्छे पार्ट्स आए हुए थे जिस वजह से इस पार्ट की वजह से एक सीरीज फिल्म थी जिस वजह से इसका एक बस अच्छा खासा था जिसमें अजय देवगन जैसे बड़े स्टार देखने को मिले जिस वजह से फिल्म की एक अलग लेवल पे आ, मार्केटिंग चल रही थी और एक अच्छा खासा बज क्रिएट हुआ था जिसके चलते इस फिल्म को इंडिया में करीबन स्क्रीन्स मिले हुए थे वहीं पे और ओवरसीज पे इस फिल्म को सात स्क्रीन्स मिले हुए थे टोटल चौवालीस स्क्रीन पे इस फिल्म को रिलीज किया गया था और बाद में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया जहाँ पे और जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया इतनी स्क्रीन पे तो एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था वहीं पे इस फिल्म को पहले 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ करने वाले थे लेकिन वे का काम कंप्लीट ना होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 22 फरवरी 2019 को रिलीज़ किया गया था यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का सर्टिफिकेशन मिला हुआ था रन टाइम का जहाँ पे यू सर्टिफिकेट दिया गया था इस फिल्म को पहले पाकिस्तान में रिलीज करने वाले थे लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ था उस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं किया गया था वहीं पे इस फिल्म के जो मेकर उन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए गए थे पुलवामा अटैक में जो सोल्जर का मृत्यु हुई थी उनकी फैमिली को इस तरह से इस फिल्म के साथ रिलीज के वक्त घटनाएं घटी थीं जब फिल्म को रिलीज किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था आई पे इस फिल्म को करीबन सात पॉइंट तीन की सॉरी चार पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई दस में से करीबन तिहत्तर सौ वोट मिले हुए जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था और उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने इंडिया से 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था इसके अलावा बाद में इस फिल्म ने एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया फैमिली ऑडियंस की तरफ से जिस वजह से फिल्म का जो लाइफ टाइम डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन था वो एक सौ बयासी करोड़ नौ लाख का निकल के आया हुआ था ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने करीबन छियालीस करोड़ अट्ठारह लाख का कलेक्शन किया था इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट कलेक्शन किया और तीन दिनों में इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ था वर्ल्ड वाइड जहाँ पे 90 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने दो करोड़ 27 लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी अब बात करें इस फिल्म के ओ टी राइट्स के ऊपर तो इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने वहीं पर इस फिल्म को डी और ब्लू राय प्रिंट पे सेमारो वालों ने रिलीज करवाया हुआ था फिलहाल में ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉट के ऊपर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी आपको लॉग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर ये फिल्म इन्जॉय कर पाओगे टोटल धमाल के नाम के साथ इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर पाओगे वहाँ पर इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है तो इस फिल्म को आप वहाँ पर ज़रूर इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टोटल धमाल फिल्म आपको ऑफिशियली डिजनी प्लस होट स्टार ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी विदाउट लॉग इन विदाआउट सब्सक्रिप्शन एवी थिंग लिज सब वहीं पर इस फिल्म का टी वी प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा टोटल धमाल यानी कि धमाल थ्री ये एक धमाल सीरीज की तीसरा पार्ट है इससे पहले धमाल आई थी उसके बाद में धमाल टू आई थी और ये तीसरा पार्ट यानी कि टोटल धमाल तो ये एक 2019 की हिंदी लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है इंदिरा कुमार ने और ये फिल्म 1963 की हॉलीवुड फिल्म इट्स मेड 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 मेड, मेड वर्ल्ड जो फिल्म थी उसका कुछ लूजली एडप्टेसन था और कुछ सीन्स है वो 2015 की वेकेशन करके एक फिल्म आई हुई थी अमेरिकन फिल्म थी वो कॉमेडी ड्रामा रोड कॉमेडी ड्रामा तो उससे कुछ सीन्स उठाए हुए और ब्लेंडेड करके जो 2014 की एक हॉलीवुड फिल्म थी अमेरिकन फिल्म वो भी एक कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी तो वहाँ से भी कुछ सीन्स को उन्होंने लिया हुआ है और इस तरह से उन्होंने टोटल धमाल यानी कि धमाल थ्री का निर्माण किया हुआ है इससे पहले जो धमाल और डबल धमाल आई हुई थी वो भी किसी ना किसी फिल्म से इंस्पायर थी जैसे कि 2007 की जो धमाल फिल्म थी वो भी एडप्टेशन ही थी वो नाइनटीन सिक्स थ्री सी की जो इट्स मेड 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 वर्ल्ड है उसका ही एडप्टेसन थी और एक दो दूसरी फिल्म थी रेड रेस उससे इंस्पायर होकर बनाई गई थी उसके बाद में डबल धमाल जो बनाई गई थी उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था लेकिन ओवरऑल वो सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वो फिल्म भी थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड थी लेकिन ये अब टोटल धमाल जो फिल्म है वो भी जैसे मैंने बताया उस तरह से थोड़ी इंस्पायर्ड है लेकिन ओवरऑल इसको इंडिया वर्जन क्या हुआ है हालांकि इसका चौथा पार्ट भी आने वाला है फुल ऑन धमाल वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा उसको इंद्रा कुमारी डिरेक्ट करेंगे जो इस फिल्म के भी डिरेक्टर है स्टोरी आइडिया उनका था लेकिन स्क्रीन प्ले वो वेद प्रकाश पारितोष पेंटर और बंटी राठौर ने लिखा हुआ है टोटल धमाल फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अजय देवगन अशोक तानकेरिया इंद्र कुमार मारकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने जिनको अजय देवगन ने फिल्म्स मारुति इंटरनेशनल श्री अधिकारी ब्रदर्स फॉक स्टूडियो पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मूर्ति फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन नब्बे करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म को वर्ल्डवाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है स्टार स्टूडियो ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई केक नाखरा ने एडिटिंग की हुई धर्मेंद्र शर्मा ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सात मिनट की देखने को मिलेगी फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स कंपोज किए हुए गौरव और रोशी ने बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ है संदीप सिरोधकर ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो सारे गवा पाने खरीदे हुए फिल्म में टोटल चार गाने इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन आपको देखने को मिलेंगे गुड्डू की के रोल में दूसरा रोल है अनिल कपूर का जिन्होंने अविनाश यानी कि अभी, अभी पटेल का रोल प्ले किया हुआ है गुड्डू रस्तोगी है वो एक चोर है और जोनी का पार्टनर है वहीं पे अविनाश जो अवि पटेल का रोल है अनिल कपूर का वो एक बिजनेसमैन है माधुरी दीक्षित आपको बिंदिया के रोल में दिखाई देंगी यानी कि बिंदु पटेल के रोल में जो एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट है इसके अलावा रितेश देशमुख ने देशबंधु लल्लन रॉय का रोल प्ले किया हुआ है जो एक फायर ऑफिसर है अरसद्वार से आपको इस फिल्म में आदित्य यानी कि आदित्य श्रीवास्तव के रोल में दिखाई देंगे जो एक टैक्सी ड्राइवर थे जावेद जाफरी ने इस फिल्म में मानव श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में ईशा गुप्ता देखने को मिलेगी जिन्होंने प्राची मलहरोत कर का रोल प्ले किया हुआ है संजय मिश्रा को जोनी डी कोस्टा का रोल दिया गया था जो एक चोर है और गुड्डू का पार्टनर है पित्तोबास त्रिपाठी इस फिल्म में जिंगोर के रोल में दिखाई देंगे जो एक फायर ऑफिसर है और ललन का साइड की के जोनी लिवर ने इस फिल्म में एक कॉमिक पायलट का रोल प्ले किया हुआ है ऑटो चॉपर वाले कॉमिक पायलट का रोल उन्होंने प्ले किया हुआ है बोमन ने आपको शमशेर यानी कि डॉन सिंह के रोल में दिखाई देंगे जो एक पुलिस कमिश्नर है जो गुड्डो और जोनी को पट पकड़ने के लिए इस फिल्म की स्टार्टिंग से ही पीछे पड़ा हुआ है विजय पटनाकर आपको इस फिल्म में अब्बास पटाकर देखने को मिलेंगे रोल में जो एक इंस्पेक्टर का रोल था जो डॉन का पार्टनर था मनोज पौवा ने इस फिल्म में पिंटू चौकसी का रोल प्ले किया हुआ है जो गुड्डू जोडी का एक फॉर्मर पार्टनर है इसके अलावा महेश मंजरेकर आपको चिनप्पा स्वामी के रोल में दिखाई देंगे जो इनलीगल अटैम करता है ओमकार जूम को डाउन क्लोज डाउन करने के लिए अली इस फिल्म में देखने को मिलेंगे नारियल पानी वाले के रोल में जो एक तमिल स्पीकिंग जंगल वाला पर्सन दिखाया गया है वहीं पे क्रिस्टल द मंकी आपको इस फिल्म में सिक्योरिटी के रोल में देखने को मिलेगा जो प्राची का एक पेट मंकी है वहीं पे सुदेश लेहरी ने अलताफ का रोल प्ले किया हुआ है निहारी का रायजादा आपको इस फिल्म में आदि के प्यार में पड़ने वाले एक लड़की का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी इसके अलावा हंस देव शर्मा आपको इस फिल्म में जो बिल्डिंग से कुत्ता है वो कूद कूद जाता है जो फायर और लल्लन भाई के दो लाख रुपए लिए हुए उसको बचाने के लिए वो व्यक्ति का रोल प्ले किया हुआ है जय कि स्वरूप आपको जी यानी कि वॉइस दिखाई गई है उनकी सोनाक्षी सिन्हा मुंगड़ा वाले गाने में स्पेशल अपेरेंस करती हुई नजर आएगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते इससे पहले रितेश देशमुख अरसद वारसी जावेद जाफरी वो ऑलरेडी पहली जो दो धमाल है उसमें काम कर चुके उन्होंने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन को तीसरे पार्ट के लिए साइन किया गया था मई 2017 में अनिल कपूर माधुरी दीक्षित को भी मिड नवंबर 2017 में साइन किया गया था और ये करीबन इनकी सात सालों के बाद कोई और कोलाब्रेशन सॉरी सत्रह सालों के बाद ये कोलाब्रेशन है पुकार फिल्म के बाद डायरेक्टर एक्टर का ईशा गुप्ता आपको इस फिल्म में देखने को मिली थी उनको जून 2018 को साइन किया गया था लेट दिसंबर 2017 को अजय देवगन फिल्म्स और फोर स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था पेन इंडिया लिमिटेड मंगल मूर्ति फिल्म बाद में इस फिल्म को प्रोड्यूसर के तौर पर बोर्ड पर जुड़ी हुई थी फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मुंबई से स्टार्ट की गई थी नौ जनवरी दो को शूटिंग को इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त दो तक कंप्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर संदीप सिरोदकर का सुनने को मिलेगा वहीं पर जो फिल्म के गाने वो कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास करवाए गए जहां पे गौरव और रोशनी ने मिलकर गानों को कंपोज किया हुआ है फिल्म के लिरिक्स से वो कुमार और कुंवर जुने जाने गानों के लिरिक्स लिखे हुए इस फिल्म पेला गाना है पैसा ये पैसा जो कर्ज फिल्म से रिक्रिएट किया गया है दूसरा गाना है मुंगड़ा जिसको इनकार फिल्म से रिक्रिएट किया गया था तीसरा गाना था स्पीकर फट जाए चौथा गाना है थीम सॉन्ग तो इस तरह से टोटल चार गाने थे जिसकी लेंथ थी तेरह मिनट पच्चीस सेकंड जिसके राइट सारे गामा म्यूजिक ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे और दो हजार में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था बाईस जन फरवरी दो को सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था एक नब्बे करोड़ के हाई बजट के साथ बाईस फरवरी 2019 को फॉप स्टार स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज मिली हुई थी इससे पहले धमाल के अच्छे अच्छे पार्ट्स आए थे जिस वजह से इस पार्ट की वजह से एक सीरीज फिल्म थी जिस वजह से इसका एक बस अच्छा खासा था जिसमें अजय देवगन जैसे बड़े स्टार देखने को मिले जिस वजह से फिल्म की एक अलग लेवल पे आ, मार्केटिंग चल रही थी और एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था जिसके चलते इस फिल्म को इंडिया में करीबन सैतीस सौ स्क्रीन मिले हुए थे वहीं पर ओवरसीज पे इस फिल्म को सात सौ ऐसे स्क्रीनस मिले हुए थे टोटल 4486 स्क्रीन पे इस फिल्म को रिलीज किया गया था और बाद में इस फिल्म को रिलीज करवाया गया जहां पे तो जब इस फिल्म को रिलीज करवाया गया इतनी स्क्रीन्स पे तो एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था वहीं पे इस फिल्म को पहले 7 दिसंबर 2018 को रिलीज करने वाले थे लेकिन वीएफएक्स का काम कंप्लीट ना होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 22 फरवरी 2019 को रिलीज किया गया था जहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मीट मिनट का सर्टिफिकेशन मिला हुआ था रन टाइम का जहाँ पे यू सर्टिफिकेट दिया गया था इस फिल्म को पहले पाकिस्तान में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ था उस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं किया गया था वहीं पे इस फिल्म के जो मेकर उन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए गए थे पुलवामा अटैक में जो सोल्जर का मृत्यु हुई थी उनकी फैमिली को इस तरह से इस फिल्म के साथ रिलीज के वक्त घटनाएं घटी थी जब फिल्म को रिलीज किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था आई पे इस फिल्म को करीबन सात पॉइंट तीन की सॉरी चार पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई दस में से करीबन तिहत्तर सौ वोट मिले हुए जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था और उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने इंडिया से 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था इसके अलावा बाद में इस फिल्म ने एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया फैमिली ऑडियंस की तरफ से जिस वजह से फिल्म का जो लाइफ टाइम डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन था वो एक सौ बयासी करोड़ नौ लाख का निकल के आया हुआ था और मार्केट में भी फिल्म ने करीबन छियालीस करोड़ अट्ठारह लाख का कलेक्शन किया था इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट कलेक्शन किया और तीन दिनों में इस फिल्म में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ था वर्ल्ड वाइड जहाँ पे 90 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने दो करोड़ 27 लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी अब बात करें इस फिल्म के ओ सैटेलाइट राइट्स के ऊपर तो इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो खरीदे हुए डिजनी प्लस होस्टार वालों ने वहीं पर इस फिल्म को डी डी और ब्लू राय प्रिंट पे सेमारो वालों ने रिलीज करवाया हुआ था फिलहाल में ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी आपको लॉग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म एंजॉय कर पाओगे टोटल धमाल के नाम के साथ इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर पाओगे वहाँ पर इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है तो इस फिल्म को आप वहाँ पर जरूर इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टोटल धमाल फिल्म आपको ऑफिशियली डिजनी प्लस होट स्टार ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी विदाउट लॉग इन विदाउट सब्सक्रिप्शन एवी थिंग लिथ सब वहीं पर इस फिल्म का टी वी प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा टोटल धमाल यानी कि धमाल थ्री ये एक धमाल सीरीज की तीसरा पार्ट है इससे पहले धमाल आई थी उसके बाद में धमाल टू आई थी और ये तीसरा पार्ट यानी कि टोटल धमाल तो ये एक 2019 की हिंदी लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जहां पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है इंदिरा कुमार ने और ये फिल्म 1963 की हॉलीवुड फिल्म इट्स मेड 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 मेड, मेड वर्ल्ड जो फिल्म थी उसका कुछ लूजली एडप्टेसन था और कुछ सीन्स है वो 2015 की वेकेशन करके एक फिल्म आई हुई थी अमेरिकन फिल्म थी वो कॉमेडी ड्रामा रोड कॉमेडी ड्रामा तो उससे कुछ सीन्स उठाए हुए और ब्लेंडेड करके जो 2014 की एक हॉलीवुड फिल्म थी अमेरिकन फिल्म वो भी एक कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी तो वहाँ से भी कुछ सीन्स को उन्होंने लिया हुआ है और इस तरह से उन्होंने टोटल धमाल यानी कि धमाल थ्री का निर्माण किया हुआ है इससे पहले जो धमाल और डबल धमाल आई हुई थी वो भी किसी ना किसी फिल्म से इंस्पायर थी जैसे कि 2007 की जो धमाल फिल्म थी वो भी एडप्टेसन ही थी वो नाइनटीन सिक्स थ्री सी की जो इट्स मेड 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 वर्ल्ड है उसका ही एडप्टेसन थी और एक दो दूसरी फिल्म थी रेट रेस उससे इंस्पायर होकर बनाई गई थी उसके बाद में डबल धमाल जो बनाई गई थी उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था लेकिन ओवरऑल वो सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वो फिल्म भी थोड़ी बहुत इंस्पायर थी लेकिन ये अब टोटल धमाल जो फिल्म है वो भी जैसे मैंने बताया उस तरह से थोड़ी इंस्पायर्ड है लेकिन ओवरऑल इसको इंडियन वर्जन किया हुआ है हालांकि इसका चौथा पार्ट भी आने वाला है फुल ऑन धमाल वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा उसको इंद्रा कुमारी डिरेक्ट करेंगे जो इस फिल्म के भी डरेक्टर है स्टोरी आइडिया उनका था लेकिन स्क्रीन प्ले वो वेद प्रकाश पारितोष पेंटर और बंटी राठौर ने लिखा हुआ है टोटल धमाल फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अजय देवगन अशोक तानकेरिया इंद्र कुमार अधिकारी और आनंद पंडित ने जिनको अजय देवगन ने फिल्म्स मारुति इंटरनेशनल श्री अधिकारी ब्रदर्स फोक्स्टार स्टूडियो पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मूर्ति फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन नब्बे करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म को वर्ल्डवाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया है स्टार स्टूडियो ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई केक नाखरा ने एडिटिंग की हुई धर्मेंद्र शर्मा ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सात मिनट की देखने को मिलेगी फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स कंपोज किए हुए गौरव और रोशी ने बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ है संदीप सिरोधकर ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो सारे गवा पाने खरीदे हुए फिल्म में टोटल चार गाने इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन आपको देखने को मिलेंगे गुड्डू रस्तोकी के रोल में दूसरा रोल है अनिल कपूर का जिन्होंने अविनाश यानी कि अवि पटेल का रोल प्ले किया हुआ है गुड्डू रस्तों की है वो एक चोर है और जोनी का पार्टनर है वहीं पे अविनाश जो अभी पटेल का रोल है अनिल कपूर का वो एक बिजनेसमैन है माधुरी दीक्षित आपको बिंदिया के रोल में दिखाई देंगी यानी कि बिंदु पटेल के रोल में जो एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट है इसके अलावा रितेश देशमुख ने देश, देश लल्लन रॉय का रोल प्ले किया हुआ है जो एक फायर ऑफिसर है अरसदवार से आपको इस फिल्म में आदित्य आदित्य श्रीवास्तव के रोल में दिखाई देंगे जो एक टैक्सी ड्राइवर थे जावेद जाफरी ने इस फिल्म में मानव श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में ईशा गुप्ता देखने को मिलेगी जिन्होंने प्राची कर का रोल प्ले किया हुआ है संजय मिश्रा को जोनी डी कोस्टा का रोल दिया गया था जो एक चोर है और गुड्डू का पार्टनर है पित्तोबास त्रिपाठी इस फिल्म में जिंगोर के रोल में दिखाई देंगे जो एक फायर ऑफिसर है और लल्लन का साइड की के जोनी लिवर ने इस फिल्म में एक कॉमिक पायलट का रोल प्ले किया हुआ है ऑटो चॉपर वाले कॉमिक पायलट का रोल उन्होंने प्ले किया हुआ है बोमन ने आपको शमशेर यानी कि डॉन सिंह के रोल में दिखाई देंगे जो एक पुलिस कमिश्नर है जो गुड्डो और जोनी को पट पकड़ने के लिए इस फिल्म की स्टार्टिंग से ही पीछे पड़ा हुआ है विजय पटनाकर आपको इस फिल्म में अब्बास पटाकर देखने को मिलेंगे रोल में जो एक इंस्पेक्टर का रोल था जो डॉन का पार्ट था मनोज पावा ने इस फिल्म में पिंटो चौकसी का रोल प्ले किया हुआ है जो गुड्डू जोडी का एक फॉर्मर पार्टनर है इसके अलावा महेश मंजरेकर आपको चिनप्पा स्वामी के रोल में दिखाई देंगे जो इनलीगल अटेम करता है ओमकार जूम को डाउन क्लोज डाउन करने के लिए अली इस फिल्म में देखने को मिलेंगे नारियल पाने वाले के रोल में जो एक तमिल स्पीकिंग जंगल वाला पर्सन दिखाया गया है वहीं पे क्रिस्टल द मंकी आपको इस फिल्म में सिक्योरिटी के रोल में देखने को मिलेगा जो प्राची का एक पेट मंकी है वहीं पे सुदेश लेहरी ने अलताफ का रोल प्ले किया हुआ है निहारी का रायजादा आपको इस फिल्म में आदि के प्यार में पड़ने वाले एक लड़की का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी इसके अलावा हंस देव शर्मा आपको इस फिल्म में जो बिल्डिंग से कुत्ता है वो कूद कूद जाता है जो फायर और लल्लन भाई के दो लाख रुपए लिए हुए उसको बचाने के लिए वो व्यक्ति का रोल प्ले किया हुआ है जैकि स्वरूप आपको जी यानी कि वॉइस दिखाई गई है उनकी सोनाक्षी सिन्हा मुंगड़ा वाले गाने में स्पेशल अपेरेंस करती हुई नजर आएगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते इससे पहले रितेश देशमुख अरसदवार से, दे से जावेद जाफरी वो ऑलरेडी पहली जो दो धमाल है उसमें काम कर का चुके उन्होंने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन को तीसरे पार्ट के लिए साइन किया गया था मई 2017 में अनिल कपूर माधुरी दीक्षित को भी मिड नवंबर 2017 में साइन किया गया था और ये करीबन इनकी सात सालों के बाद कोई और कोलेब्रेशन सॉरी सत्रह सालों के बाद ये कोलपरेशन है पुकार फिल्म के बाद डायरेक्टर एक्टर का ईशा गुप्ता को इस फिल्म में देखने को मिली थी उनको जून 2018 को साइन किया गया था लेट दिसंबर 2017 को अजय देवगन फिल्म और पोस्टर स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था पेन इंडिया लिमिटेड मंगल मूर्ति फिल्म बाद में इस फिल्म में को प्रोड्यूसर के तौर पर बोर्ड पर जुड़ी हुई थी फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मुंबई से स्टार्ट की गई थी नौ जनवरी दो को शूटिंग को इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2018 तक कंप्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर संदीप का सुनने को मिलेगा वहीं पे जो फिल्म के गाने वो कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास करवाए गए जहां पे गौरव और रोशनी ने मिलकर गानों को कंपोज किया हुआ है फिल्म के लिरिक्स से वो कुमार और कुंवर जुने जाने गानों के लिरिक्स लिखे हुए इस फिल्म पहला गाना है पैसा ये पैसा जो कर्ज फिल्म से रिक्रिएट किया गया है दूसरा गाना है मुंगड़ा जिसको इनकार फिल्म से रिक्रिएट किया गया था तीसरा गाना था स्पीकर फट जाए चौथा गाना है थीम सॉन्ग तो इस तरह से टोटल चार गाने थे जिसकी लेंथ थी तेरह मिनट पच्चीस सेकंड जिसके राइट सारे गा म्यूजिक ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे और दो हजार में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था बाईस जन फरवरी दो को सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था एक नब्बे करोड़ के हाई बजट के साथ बाईस फरवरी 2019 हज़ार उन्नीस को फॉपस्टार स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ मिली हुई थी इससे पहले धमाल के अच्छे अच्छे पार्ट्स आए हुए थे जिस वजह से इस पार्ट की वजह से एक सीरीज फिल्म थी जिस वजह से इसका एक बस अच्छा खासा था जिसमें अजय देवगन जैसे बड़े स्टार देखने को मिले जिस वजह से फिल्म की एक अलग लेवल पे आ, मार्केटिंग चल रही थी और एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था जिसके चलते इस फिल्म को इंडिया में करीब सैंतीस सौ स्क्रीन्स मिले हुए थे वहीं पर ओवरसीज पे इस फिल्म को सात छियासी स्क्रीन मिले हुए थे टोटल चौवालीस छियासी स्क्रीन पे इस फिल्म को रिलीज किया गया था और बाद में इस फिल्म को रिलीज करवाया गया जहाँ पे जब इस फिल्म को रिलीज करवाया गया इतनी पे तो एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था वहीं पे इस फिल्म को पहले 7 दिसंबर 2018 को रिलीज करने वाले थे लेकिन वेफ एक्स का काम कंप्लीट ना होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 22 फरवरी 2019 को रिलीज़ किया गया था यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड की तरफ से एक सौ मिनट का सर्टिफिकेशन मिला हुआ था रन टाइम का जहाँ पे यू सर्टिफिकेट दिया गया था इस फिल्म को पहले पाकिस्तान में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ था उस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं किया गया था वहीं पे इस फिल्म के जो मेकर्स मेकर उन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए गए थे पुलवामा अटैक में जो सोल्जर का मृत्यु हुई थी उनकी फैमिली को इस तरह से इस फिल्म के साथ रिलीज के वक्त घटनाएं घटी थी जब फिल्म को रिलीज किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था आई पे इस फिल्म को करीबन सात पॉइंट तीन की सॉरी चार पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई दस में से करीबन तिहत्तर सौ वोट मिले हुए जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था और उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया था जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने इंडिया से 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था इसके अलावा बाद में इस फिल्म ने एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया फैमिली ऑडियंस की तरफ से जिस वजह से फिल्म का जो लाइफ टाइम डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन था वो एक करोड़ नौ लाख का निकल के आया हुआ था ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने करीबन छियालीस करोड़ अट्ठारह लाख का कलेक्शन किया था इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट कलेक्शन किया और तीन दिनों में इस फिल्म में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ था वर्ल्ड वाइड जहाँ पे 90 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने दो करोड़ 27 लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी अब बात करें इस फिल्म के ओ टी राइट्स के ऊपर तो इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉस्टार वालों ने वहीं पर इस फिल्म को डी और ब्लू राय प्रिंट पे सेमारो वालों ने रिलीज करवाया हुआ था फिलहाल में ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी आपको लॉग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म इन्जॉय कर पाओगे टोटल धमाल के नाम के साथ इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर पाओगे वहाँ पर इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है तो इस फिल्म को आप वहाँ पर जरूर इंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टोटल धमाल फिल्म आपको ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉट स्टार ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी विदाउट लॉग इन विदाआउट सब्सक्रिप्शन एवी थिंग लिज सब वहीं पर इस फिल्म का टी वी प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा टोटल धमाल यानी कि धमाल थ्री ये एक धमाल सीरीज की तीसरा पार्ट है इससे पहले धमाल आई थी उसके बाद में धमाल टू आई थी और ये तीसरा पार्ट यानी कि टोटल धमाल तो ये एक 2019 की हिंदी लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है इंदिरा कुमार ने और ये फिल्म 1963 की हॉलीवुड फिल्म इट्स मेड 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 मेड, मेड वर्ल्ड जो फिल्म थी उसका कुछ लूजली एडप्टेसन था और कुछ सीन्स है वो 2015 की वेकेशन करके एक फिल्म आई हुई थी अमेरिकन फिल्म थी वो कॉमेडी ड्रामा रोड कॉमेडी ड्रामा तो उससे कुछ सीन्स उठाए हुए और ब्लेंडेड करके जो 2014 की एक हॉलीवुड फिल्म थी अमेरिकन फिल्म वो भी एक कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी तो वहाँ से भी कुछ सीन्स को उन्होंने लिया हुआ है और इस तरह से उन्होंने टोटल धमाल यानी कि धमाल थ्री का निर्माण किया हुआ है इससे पहले जो धमाल और डबल धमाल आई हुई थी वो भी किसी ना किसी फिल्म से इंस्पायर थी जैसे कि 2007 की जो धमाल फिल्म थी वो भी एडप्टेशन ही थी वो नाइनटीन सिक्स थ्री सी की जो इट्स मेड 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 वर्ल्ड है उसका ही एडप्टेसन थी और एक दो दूसरी फिल्म थी रेड रेस उससे इंस्पायर होकर बनाई गई थी उसके बाद में डबल धमाल जो बनाई गई थी उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था लेकिन ओवरऑल वो सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वो फिल्म भी थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड थी लेकिन ये अब टोटल धमाल जो फिल्म है वो भी जैसे मैंने बताया उस तरह से थोड़ी इंस्पायर्ड है लेकिन ओवरऑल इसको इंडिया वर्जन क्या हुआ है हालांकि इसका चौथा पार्ट भी आने वाला है फुल ऑन धमाल वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा उसको इंद्रा कुमारी डिरेक्ट करेंगे जो इस फिल्म के भी डिरेक्टर है स्टोरी आइडिया उनका था लेकिन स्क्रीन प्ले वो वेद प्रकाश पारितोष पेंटर और बंटी राठौर ने लिखा हुआ है टोटल धमाल फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अजय देवगन अशोक तानकेरिया इंद्र कुमार मारकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने जिनको अजय देवगन ने फिल्म्स मारुति इंटरनेशनल श्री अधिकारी ब्रदर्स फॉक स्टूडियो पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मूर्ति फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन नब्बे करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म को वर्ल्डवाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है स्टार स्टूडियो ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई केक नाखरा ने एडिटिंग की हुई धर्मेंद्र शर्मा ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सात मिनट के देखने को मिलेगी फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स कंपोज किए हुए गौरव और रोशी ने बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ है संदीप सिरोधकर ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो सारे गवा पाने खरीदे हुए फिल्म में टोटल चार गाने इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन आपको देखने को मिलेंगे गुड्डू की के रोल में दूसरा रोल है अनिल कपूर का जिन्होंने अविनाश यानी कि अभी, अभी पटेल का रोल प्ले किया हुआ है गुड्डू रस्तोगी है वो एक चोर है और जोनी का पार्टनर है वहीं पे अविनाश जो अवि पटेल का रोल है अनिल कपूर का वो एक बिजनेसमैन है माधुरी दीक्षित आपको बिंदिया के रोल में दिखाई देंगी यानी कि बिंदु पटेल के रोल में जो एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट है इसके अलावा रितेश देशमुख ने देश, देश बंधु लल्लन रॉय का रोल प्ले किया हुआ है जो एक फायर ऑफिसर है अरसदवार से आपको इस फिल्म में आदित्य यानी कि आदित्य श्रीवास्तव के रोल में दिखाई देंगे जो एक टैक्सी ड्राइवर थे जावेद जाफरी ने इस फिल्म में मानव श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में ईशा गुप्ता देखने को मिलेगी जिन्होंने प्राची कर का रोल प्ले किया हुआ है संजय मिश्रा को जोनी डी कोस्टा का रोल दिया गया था जो एक चोर है और गुड्डू का पार्टनर है पित्तोबास त्रिपाठी इस फिल्म में जिंगोर के रोल में दिखाई देंगे जो एक फायर ऑफिसर है और ललन का साइड की के जॉनी लिवर ने इस फिल्म में एक कॉमिक पायलट का रोल प्ले किया हुआ है ऑटो चॉपर वाले कॉमिक पायलट का रोल उन्होंने प्ले किया हुआ है बोमन ने आपको शमशेर यानी कि डॉन सिंह के रोल में दिखाई देंगे जो एक पुलिस कमिश्नर है जो गुड्डो और जोनी को पट पकड़ने के लिए इस फिल्म की स्टार्टिंग से ही पीछे पड़ा हुआ है विजय पटनाकर आपको इस फिल्म में अब्बास पटाकर देखने को मिलेंगे रोल में जो एक इंस्पेक्टर का रोल था जो डॉन का पार्टनर था मनोज पौवा ने इस फिल्म में पिंटू चौकसी का रोल प्ले किया हुआ है जो गुड्डू जोडी का एक फॉर्मर पार्टनर है इसके अलावा महेश मंजरेकर आपको चिनप्पा स्वामी के रोल में दिखाई देंगे जो इनलीगल अटैम करता है ओमकार जूम को डाउन क्लोज डाउन करने के लिए अली इस फिल्म में देखने को मिलेंगे नारियल पानी वाले के रोल में जो एक तमिल स्पीकिंग जंगल वाला पर्सन दिखाया गया है वहीं पे क्रिस्टल द मंग की आपको इस फिल्म में सिक्योरिटी के रोल में देखने को मिलेगा जो प्राची का एक पेट मंकी है वहीं पे सुदेश लेहरी ने अलताब का रोल प्ले किया हुआ है निहारी का रायजादा आपको इस फिल्म में आदि के प्यार में पड़ने वाले एक लड़की का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी इसके अलावा हंस देव शर्मा आपको इस फिल्म में जो बिल्डिंग से कुत्ता है वो कूद कूद जाता है जो फायर और लल्लन भाई के दो लाख रुपए लिए हुए उसको बचाने के लिए वो व्यक्ति का रोल प्ले किया हुआ है जय कि स्वरूप आपको जी यानी कि वॉइस दिखाई गई है उनकी सोनाक्षी सिन्हा मुंगड़ा वाले गाने में स्पेशल अपेरेंस करती हुई नजर आएगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते इससे पहले रितेश देशमुख अरसद वारसी जावेद जाफरी वो ऑलरेडी पहली जो दो धमाल है उसमें काम कर चुके उन्होंने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन को तीसरे पार्ट के लिए साइन किया गया था मई 2017 में अनिल कपूर माधुरी दीक्षित को भी मिड नवंबर 2017 में साइन किया गया था और ये करीबन इनकी सात सालों के बाद कोई और कोलेब्रेशन सॉरी सत्रह सालों के बाद ये कोलोपरेशन है पुकार फिल्म के बाद डायरेक्टर एक्टर का ईशा गुप्ता आपको इस फिल्म में देखने को मिली थी उनको जून दो को साइन किया गया था लेट दिसंबर 2017 को अजय देवगन फिल्म और पोस्टर स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था पेन इंडिया लिमिटेड मंगल मूर्ति फिल्म बाद में इस फिल्म में को प्रोड्यूसर के तौर पर बोर्ड पर जुड़ी हुई थी फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मुंबई से स्टार्ट की गई थी नौ जनवरी दो को शूटिंग को इस फिल्म को तरह से अगस्त 2018 तक कंप्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर संदीप का सुनने को मिलेगा वहीं पे जो फिल्म के गाने वो कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास करवाए गए जहां पे गौरव और रोशनी ने मिलकर गानों को कंपोज किया हुआ है फिल्म के लिरिक्स है वो कुमार और कुंवर जुनेजा जाने गानों के लिरिक्स लिखे हुए इस फिल्म में पहला गाना है पैसा ये पैसा जो कर्ज फिल्म से रिक्रिएट किया गया है दूसरा गाना है मुंगड़ा जिसको इनकार फिल्म से रिक्रिएट किया गया था तीसरा गाना था स्पीकर फट जाए चौथा गाना है थीम सॉन्ग तो इस तरह से टोटल चार गाने थे जिसकी लेंथ थी तेरह मिनट पच्चीस सेकंड जिसके राइट सारे गामा म्यूजिक ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे और दो हजार में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था बाईस जन फरवरी दो को सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था एक नब्बे करोड़ के हाई बजट के साथ बाईस फरवरी 2019 को फॉप स्टार स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज मिली हुई थी इससे पहले धमाल के अच्छे अच्छे पार्ट्स आए हुए थे जिस वजह से इस पार्ट की वजह से एक सीरीज फिल्म थी जिस वजह से इसका एक बस अच्छा खासा था जिसमें अजय देवगन जैसे बड़े स्टार देखने को मिले जिस वजह से फिल्म की एक अलग लेवल पे आ, मार्केटिंग चल रही थी और एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था जिसके चलते इस फिल्म को इंडिया में करीबन सैतीस सौ स्क्रीन मिले हुए थे वहीं पर ओवरसीज पे इस फिल्म को सात सौ छियासी स्क्रीन मिले हुए थे टोटल चौवालीस छियासी स्क्रीन पे इस फिल्म को रिलीज किया गया था और बाद में इस फिल्म को रिलीज करवाया गया जहाँ पे जब इस फिल्म को रिलीज करवाया गया इतनी पे तो एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था वहीं पे इस फिल्म को पहले सात दिसंबर 2018 को रिलीज करने वाले थे लेकिन वेफ एक्स का काम कंप्लीट ना होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 22 फरवरी 2019 को रिलीज किया गया था यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का सर्टिफिकेशन मिला हुआ था रन टाइम का जहाँ पे यू सर्टिफिकेट दिया गया था इस फिल्म को पहले पाकिस्तान में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ था उस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं किया गया था वहीं पे इस फिल्म के जो हैं उन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए गए थे पुलवामा अटैक में जो सोल्जर का मृत्यु हुई थी उनकी फैमिली को इस तरह से इस फिल्म के साथ रिलीज के वक्त घटनाएं घटी थी जब फिल्म को रिलीज किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था आई पे इस फिल्म को करीबन सात पॉइंट तीन की सॉरी चार पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई दस में से करीबन तिहत्तर सौ वोट मिले हुए जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था और उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने इंडिया से 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था इसके अलावा बाद में इस फिल्म ने एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया फैमिली ऑडियंस की तरफ से जिस वजह से फिल्म का जो लाइफ टाइम डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन था वो एक सौ बयासी करोड़ नौ लाख का निकल के आया हुआ था और मार्केट में भी फिल्म ने करीबन छियालीस करोड़ अट्ठारह लाख का कलेक्शन किया था इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट कलेक्शन किया और तीन दिनों में इस फिल्म में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ था वर्ल्ड वाइड जहाँ पे 90 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने दो करोड़ 27 लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी अब बात करें इस फिल्म के ओ सैटेलाइट राइट्स के ऊपर तो इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो खरीदे हुए डिजनी प्लस होस्टार वालों ने वहीं पर इस फिल्म को डी डी और ब्लू राय प्रिंट पे सेमारो वालों ने रिलीज करवाया हुआ था फिलहाल में ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी आपको लॉग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म एंजॉय कर पाओगे टोटल धमाल के नाम के साथ इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर पाओगे वहाँ पर इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है तो इस फिल्म को आप वहाँ पर जरूर इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टोटल धमाल फिल्म आपको ऑफिशियली डिजनी प्लस होट स्टार ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी विदाउट लॉग इन विदाउट सब्सक्रिप्शन एवी थिंग लिथ सब वहीं पर इस फिल्म का टी वी प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा टोटल धमाल यानी कि धमाल थ्री ये एक धमाल सीरीज की तीसरा पार्ट है इससे पहले धमाल आई थी उसके बाद में धमाल टू आई थी और ये तीसरा पार्ट यानी कि टोटल धमाल तो ये एक 2019 की हिंदी लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है इंदिरा कुमार ने और ये फिल्म 1963 की हॉलीवुड फिल्म इट्स मेड 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 वर्ल्ड जो फिल्म थी उसका कुछ लूजली एडप्टेसन था और कुछ सीन्स है वो 2015 की वेकेशन करके एक फिल्म आई हुई थी अमेरिकन फिल्म थी वो कॉमेडी ड्रामा रोड कॉमेडी ड्रामा तो उससे कुछ सीन्स उठाए हुए और ब्लेंडेड करके जो 2014 की एक हॉलीवुड फिल्म थी अमेरिकन फिल्म वो भी एक कॉमेडी रोमेंटिक कॉमेडी फिल्म थी तो वहाँ से भी कुछ सीन्स को उन्होंने लिया हुआ है और इस तरह से उन्होंने टोटल धमाल यानी कि धमाल थ्री का निर्माण किया हुआ है इससे पहले जो धमाल और डबल धमाल आई हुई थी वो भी किसी ना किसी फिल्म से इंस्पायर थी जैसे कि 2007 की जो धमाल फिल्म थी वो भी एडप्टेसन ही थी वो नाइन्टीन सिक्स सी की जो इट्स मेड 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 वर्ल्ड है उसका ही एडप्टेसन थी और एक दो दूसरी फिल्म थी रेट रेस उससे इंस्पायर होकर बनाई गई थी उसके बाद में डबल धमाल जो बनाई गई थी उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था लेकिन ओवरऑल वो सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वो फिल्म भी थोड़ी बहुत इंस्पायर थी लेकिन ये अब टोटल धमाल जो फिल्म है वो भी जैसे मैंने बताया उस तरह से थोड़ी इंस्पायर्ड है लेकिन ओवरऑल इसको इंडियन वर्जन किया हुआ है हालांकि इसका चौथा पार्ट भी आने वाला है फुल ऑन धमाल वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा उसको इंद्रा कुमारी डिरेक्ट करेंगे जो इस फिल्म के भी डिरेक्टर है स्टोरी आइडिया उनका था लेकिन स्क्रीन प्ले वो वेद प्रकाश पारितोष पेंटर और बंटी राठौर ने लिखा हुआ है टोटल धमाल फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अजय देवगन अशोक तानकेरिया इंद्र कुमार मारकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने जिनको अजय देवगन ने फिल्म्स मारुति इंटरनेशनल श्री अधिकारी ब्रदर्स फोक्स्टार स्टूडियो पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मूर्ति फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन नब्बे करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है फोक स्टार स्टूडियो ने इस फिल्म की सीनेमेटोग्राफी की हुई केक नाखरा ने एडिटिंग की हुई धर्मेंद्र शर्मा ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सात मिनट की देखने को मिलेगी फिल्म को एक क्रिप रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स कंपोज किए हुए गौरव और रोशी ने बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ है संदीप सिरोधकर ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो सारे गवा पाने खरीदे हुए फिल्म टोटल चार गाने इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन आपको देखने को मिलेंगे गुड्डू रस्तोकी के रोल में दूसरा रोल है अनिल कपूर का जिन्होंने अविनाश यानी कि अभी, अभी पटेल का रोल प्ले किया हुआ है गुड्डू रस्तोगी है वो एक चोर है और जोनी का पार्टनर है वहीं पे अविनाश जो अभी पटेल का रोल है अनिल कपूर का वो एक बिजनेस मैन है माधुरी दीक्षित आपको बिंदिया के रोल में दिखाई देंगी यानी कि बिंदु पटेल के रोल में जो एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट है इसके अलावा रितेश देशमुख ने देश, देश बंधु लल्लन रॉय का रोल प्ले किया हुआ है जो एक फायर ऑफिसर है अरसदवार से आपको इस फिल्म में आदित्य यानी कि आदित्य श्रीवास्तव के रोल में दिखाई देंगे जो एक टैक्सी ड्राइवर थे जावेद जाफरी ने इस फिल्म में मानव श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में ईशा गुप्ता देखने को मिलेगी जिन्होंने प्राची कर का रोल प्ले किया हुआ है संजय मिश्रा को जोनी डी कोस्टा का रोल दिया गया था जो एक चोर है और गुड्डू का पार्टनर है पित्तोबास त्रिपाठी इस फिल्म में जिंगोर के रोल में दिखाई देंगे जो एक फायर ऑफिसर है और लल्लन का साइड की के जोनी लिवर ने इस फिल्म में एक कॉमिक पायलट का रोल प्ले किया हुआ है ऑटो चॉपर वाले कॉमिक पायलट का रोल उन्होंने प्ले किया हुआ है बोमन ने आपको शमशेर यानी कि डॉन सिंह के रोल में दिखाई देंगे जो एक पुलिस कमिश्नर है जो गुड्डो और जोनी को पट पकड़ने के लिए इस फिल्म की स्टार्टिंग से ही पीछे पड़ा हुआ है विजय पटनाकर आपको इस फिल्म में अब्बास पटाकर देखने को मिलेंगे रोल में जो एक इंस्पेक्टर का रोल था जो डॉन का पार्ट था मनोज पवार ने इस फिल्म में पिंटो चौकसी का रोल प्ले किया हुआ है जो गुड्डू जोंडी का एक फॉर्मर पार्टनर है इसके अलावा महेश मंजरेकर आपको चिनप्पा स्वामी के रोल में दिखाई देंगे जो इनलीगल अटेम्प्ट करता है ओमकार जूम को डाउन क्लोज डाउन करने के लिए अली इस फिल्म में देखने को मिलेंगे नारियल पानी वाले के रोल में जो एक तमिल स्पीकिंग जंगल वाला पर्सन दिखाया गया वहीं पे क्रिस्टल द मंकी आपको इस फिल्म में सिक्योरिटी के रोल में देखने को मिलेगा जो प्राची का एक पेट मंकी है वहीं पे सुदेश लेहरी ने अलताफ का रोल प्ले किया हुआ है निहारी का रायजादा आपको इस फिल्म में आदि के प्यार में पड़ने वाली एक लड़की का रोल प्ले करती हुई नज़र आएगी इसके अलावा हंस देव शर्मा आपको इस फिल्म में जो बिल्डिंग से कुत्ता है वो कूद कूद जाता है जो फायर और लल्लन भाई के दो लाख रुपए लिए हुए उसको बचाने के लिए वो व्यक्ति का रोल प्ले किया हुआ है जैकि स्वरूप आपको जी यानी कि वॉइस दिखाई गई है उनकी सोनाक्षी सिन्हा मुंगड़ा वाले गाने में स्पेशल अपेरेंस करती हुई नज़र आएगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते इससे पहले रितेश देशमुख अरसदवार वारसी जावेद जाफरी वो ऑलरेडी पहली जो दो धमाल है उसमें काम कर का चुके उन्होंने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन को तीसरे पार्ट के लिए साइन किया गया था मई 2017 में अनिल कपूर माधुरी दीक्षित को भी मिड नवंबर 2017 में साइन किया गया था और ये करीबन इनकी सात सालों के बाद कोई और कोलेब्रेशन सॉरी सत्रह सालों के बाद ये कोलपरेशन है पुकार फिल्म के बाद डायरेक्टर एक्टर का ईशा गुप्ता को इस फिल्म में देखने को मिली थी उनको जून 2018 को साइन किया गया था लेट दिसंबर 2017 को अजय देवगन फिल्म और पोस्टर स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था पेन इंडिया लिमिटेड मंगल मूर्ति फिल्म बाद में इस फिल्म में को प्रोड्यूसर के तौर पर बोर्ड पर जुड़ी हुई थी फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मुंबई से स्टार्ट की गई थी नौ जनवरी दो को शूटिंग को इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2018 तक कंप्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर संदीप का सिरोनने को मिलेगा वहीं पे जो फिल्म के गाने वो कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास करवाए गए जहां पे गौरव और रोशनी ने मिलकर गानों को कंपोज किया हुआ है फिल्म के लिरिक्स से वो कुमार और कुंवर जुने जाने गानों के लिरिक्स लिखे हुए इस फिल्म पहला गाना है पैसा ये पैसा जो कर्ज फिल्म से रिक्रिएट किया गया है दूसरा गाना है मुंगड़ा जिसको इनकार फिल्म से रिक्रिएट किया गया था तीसरा गाना था स्पीकर फट जाए चौथा गाना है थीम सॉन्ग तो इस तरह से टोटल चार गाने थे जिसकी लेंथ थी तेरह मिनट पच्चीस सेकंड जिसके राइट सारे गा म्यूजिक ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे और दो हजार में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था बाईस जन फरवरी दो को सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था एक नब्बे करोड़ के हाई बजट के साथ 22 फरवरी 2019 को फॉफ स्टार स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज मिली हुई थी इससे पहले धमाल के अच्छे अच्छे पार्ट्स आए हुए थे जिस वजह से इस पार्ट की वजह से एक सीरीज फिल्म थी जिस वजह से इसका एक बहुत अच्छा खासा था जिसमें अजय देवगन जैसे बड़े स्टार देखने को मिले जिस वजह से फिल्म की एक अलग लेवल पे मार्केटिंग uh, चल रही थी और एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था जिसके चलते इस फिल्म को इंडिया में करीबन सैंतीस सौ स्क्रीन्स मिले हुए थे वहीं पे ओवरसीज पे इस फिल्म को सात सौ छियासी स्क्रीन्स मिले हुए थे टोटल चौवालीस सौ छियासी स्क्रीन पे इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और बाद में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया जहाँ पे और जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया इतनी स्क्रीन पे तो एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था वहीं पे इस फिल्म को पहले 7 दिसंबर 2018 को रिलीज़ करने वाले थे लेकिन वेफ का काम कंप्लीट ना होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 22 फरवरी 2019 को रिलीज़ किया गया था यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का सर्टिफिकेशन मिला हुआ था रन टाइम का जहाँ पे यू सर्टिफिकेट दिया गया था इस फिल्म को पहले पाकिस्तान में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ था उस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं किया गया था वहीं पे इस फिल्म के जो मेकर से थे उन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए गए थे पुलवामा अटैक में जो सोल्जर का मृत्यु हुई थी उनकी फैमिली को इस तरह से इस फिल्म के साथ रिलीज के वक्त घटनाएं घटी थी जब फिल्म को रिलीज किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था आई पे इस फिल्म को करीबन सात पॉइंट तीन की सॉरी चार पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई दस में से करीबन तिहत्तर सौ वोट मिले हुए जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ था और उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया था जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने इंडिया से 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था इसके अलावा बाद में इस फिल्म ने एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया फैमिली ऑडियंस की तरफ से जिस वजह से फिल्म का जो लाइफ टाइम डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन था वो एक करोड़ नौ लाख का निकल के आया हुआ था ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने करीबन छियालीस करोड़ अट्ठारह लाख का कलेक्शन किया था इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट कलेक्शन किया और तीन दिनों में इस फिल्म में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ था वर्ल्ड वाइड जहाँ पे 90 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने दो करोड़ 27 लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी अब बात करें इस फिल्म के ओ टी राइट्स के ऊपर तो इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने वहीं पर इस फिल्म को डी और ब्लू राय प्रिंट पे सेमारो वालों ने रिलीज करवाया हुआ था फिलहाल में ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी आपको लॉग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म इन्जॉय कर पाओगे टोटल धमाल के नाम के साथ इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर पाओगे वहाँ पर इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है तो इस फिल्म को आप वहाँ पर जरूर इंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टोटल धमाल फिल्म आपको ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉट स्टार ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी विदाउट लॉग इन विदाआउट सब्सक्रिप्शन एवी थिंग लिज सब वहीं पर इस फिल्म का टी वी प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा टोटल धमाल यानी कि धमाल थ्री ये एक धमाल सीरीज की तीसरा पार्ट है इससे पहले धमाल आई थी उसके बाद में धमाल टू आई थी और ये तीसरा पार्ट यानी कि टोटल धमाल तो ये एक 2019 की हिंदी लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है इंदिरा कुमार ने और ये फिल्म 1963 की हॉलीवुड फिल्म इट्स मेड 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 मेड, मेड वर्ल्ड जो फिल्म थी उसका कुछ लूजली एडप्टेसन था और कुछ सीन्स है वो 2015 की वेकेशन करके एक फिल्म आई हुई थी अमेरिकन फिल्म थी वो कॉमेडी ड्रामा रोड कॉमेडी ड्रामा तो उससे कुछ सीन्स उठाए हुए और ब्लेंडेड करके जो 2014 की एक हॉलीवुड फिल्म थी अमेरिकन फिल्म वो भी एक कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी तो वहाँ से भी कुछ सीन्स को उन्होंने लिया हुआ है और इस तरह से उन्होंने टोटल धमाल यानी कि धमाल थ्री का निर्माण किया हुआ है इससे पहले जो धमाल और डबल धमाल आई हुई थी वो भी किसी ना किसी फिल्म से इंस्पायर थी जैसे कि 2007 की जो धमाल फिल्म थी वो भी एडप्टेशन ही थी वो नाइनटीन सिक्स थ्री सी की जो इट्स मेड 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 वर्ल्ड है उसका ही एडप्टेसन थी और एक दो दूसरी फिल्म थी रेड रेस उससे इंस्पायर होकर बनाई गई थी उसके बाद में डबल धमाल जो बनाई गई थी उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था लेकिन ओवरऑल वो सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वो फिल्म भी थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड थी लेकिन ये अब टोटल धमाल जो फिल्म है वो भी जैसे मैंने बताया उस तरह से थोड़ी इंस्पायर्ड है लेकिन ओवरऑल इसको इंडिया वर्जन क्या हुआ है हालांकि इसका चौथा पार्ट भी आने वाला है फुल ऑन धमाल वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा उसको इंद्रा कुमारी डिरेक्ट करेंगे जो इस फिल्म के भी डिरेक्टर है स्टोरी आइडिया उनका था लेकिन स्क्रीन प्ले वो वेद प्रकाश पारितोष पेंटर और बंटी राठौर ने लिखा हुआ है टोटल धमाल फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अजय देवगन अशोक तानकेरिया इंद्र कुमार मारकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने जिनको अजय देवगन ने फिल्म्स मारुति इंटरनेशनल श्री अधिकारी ब्रदर्स फॉक स्टूडियो पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मूर्ति फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन नब्बे करोड़ जितने हाई बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है फॉक्स स्टार स्टूडियो ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई केक नाखरा ने एडिटिंग की हुई धर्मेंद्र शर्मा ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सात मिनट की देखने को मिलेगी फिल्म को एक क्रिस्प रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स कंपोज किए हुए गौरव और रोशी ने बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ है संदीप सिरोधकर ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो सारे गवा पाने खरीदे हुए फिल्म में टोटल चार गाने इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो अजय देवगन आपको देखने को मिलेंगे गुड्डू की के रोल में दूसरा रोल है अनिल कपूर का जिन्होंने अविनाश यानी कि अभी, अभी पटेल का रोल प्ले किया हुआ है गुड्डू रस्तोगी है वो एक चोर है और जोनी का पार्टनर है वहीं पे अविनाश जो अभी पटेल का रोल है अनिल कपूर का वो एक बिजनेसमैन है माधुरी दीक्षित आपको बिंदिया के रोल में दिखाई देंगी यानी कि बिंदु पटेल के रोल में जो एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट है इसके अलावा रितेश देशमुख ने देशबंधु लल्लन रॉय का रोल प्ले किया हुआ है जो एक फायर ऑफिसर है अरसदवार से आपको इस फिल्म में आदित्य यानी कि आदित्य श्रीवास्तव के रोल में दिखाई देंगे जो एक टैक्सी ड्राइवर थे जावेद जाफरी ने इस फिल्म में मानव श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में ईशा गुप्ता देखने को मिलेगी जिन्होंने प्राची कर का रोल प्ले किया हुआ है संजय मिश्रा को जोनी डी कोस्टा का रोल दिया गया था जो एक चोर है और गुड्डू का पार्टनर है पितोबास त्रिपाठी इस फिल्म में जिंगोर के रोल में दिखाई देंगे जो एक फायर ऑफिसर है और ललन का साइड की के जॉनी लिवर ने इस फिल्म में एक कॉमिक पायलट का रोल प्ले किया हुआ है ऑटो चॉपर वाले कॉमिक पायलट का रोल उन्होंने प्ले किया हुआ है बोमन ने आपको शमशेर यानी कि डॉन सिंह के रोल में दिखाई देंगे जो एक पुलिस कमिश्नर है जो गुड्डो और जोनी को पट पकड़ने के लिए इस फिल्म की स्टार्टिंग से ही पीछे पड़ा हुआ है विजय पटनाकर आपको इस फिल्म में अब्बास पटाकर देखने को मिलेंगे रोल में जो एक इंस्पेक्टर का रोल था जो डॉन का पार्टनर था मनोज पौवा ने इस फिल्म में पिंटो चौकसी का रोल प्ले किया हुआ है जो गुड्डू जोडी का एक फॉर्मर पार्टनर है इसके अलावा महेश मंजरेकर आपको चिनप्पा स्वामी के रोल में दिखाई देंगे जो इनलीगल अटैम करता है ओमकार जूम को डाउन क्लोज डाउन करने के लिए अली इस फिल्म में देखने को मिलेंगे नारियल पानी वाले के रोल में जो एक तमिल स्पीकिंग जंगल वाला पर्सन दिखाया गया है वहीं पे क्रिस्टल द मंकी आपको इस फिल्म में सिक्योरिटी के रोल में देखने को मिलेगा जो प्राची का एक पेट मंकी है वहीं पे सुदेश लेहरी ने अलताब का रोल प्ले किया हुआ है निहारी का रायजादा आपको इस फिल्म में आदि के प्यार में पड़ने वाले एक लड़की का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी इसके अलावा हंस देव शर्मा आपको इस फिल्म में जो बिल्डिंग से कुत्ता है वो कूद कूद जाता है जो फायर और लल्लन भाई के दो लाख रुपए लिए हुए उसको बचाने के लिए वो व्यक्ति का रोल प्ले किया हुआ है जय किस रूप आपको जी यानी कि वॉइस दिखाई गई है उनकी सोनाक्षी सिन्हा मुंगड़ा वाले गाने में स्पेशल अपेरेंस करती हुई नजर आएगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो कास्टिंग से शुरुआत करते इससे पहले रितेश देशमुख अरसद वारसी जावेद जाफरी वो ऑलरेडी पहली जो दो धमाल है उसमें काम कर चुके उन्होंने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन को तीसरे पार्ट के लिए साइन किया गया था मई 2017 में अनिल कपूर माधुरी दीक्षित को भी मिड नवंबर 2017 में साइन किया गया था और ये करीबन इनकी सात सालों के बाद कोई और कोलेब्रेशन सॉरी सत्रह सालों के बाद ये कोलोपरेशन है पुकार फिल्म के बाद डायरेक्टर एक्टर का ईशा गुप्ता आपको इस फिल्म में देखने को मिली थी उनको जून दो को साइन किया गया था लेट दिसंबर 2017 को अजय देवगन फिल्म और पोस्टर स्टूडियो ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया था पेन इंडिया लिमिटेड मंगल मूर्ति फिल्म बाद में इस फिल्म में को प्रोड्यूसर के तौर पर बोर्ड पर जुड़ी हुई थी फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो मुंबई से स्टार्ट की गई थी नौ जनवरी दो को शूटिंग को इस फिल्म को तरह से अगस्त 2018 तक कंप्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर संदीप सिरोकर का सुनने को मिलेगा वहीं पे जो फिल्म के गाने वो कंपोज अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के पास करवाए गए जहाँ पे गौरव और रोशनी ने मिलकर गानों को कंपोज किया हुआ है फिल्म के लिरिक्स है वो कुमार और कुंवर जुने जाने गानों के लिरिक्स लिखे हुए इस फिल्म में पहला गाना है पैसा ये पैसा जो कर्ज फिल्म से रिक्रिएट किया गया है दूसरा गाना है मुंगड़ा जिसको इनकार फिल्म से रिक्रिएट किया गया था तीसरा गाना था स्पीकर फट जाए चौथा में इन गानों को किया गया था। बाईस जन फरवरी दो हजार उन्नीस को सभी गानों को वीडियो डियो डियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो फिल्म को रिलीज किया गया था एक नब्बे करोड़ के हाई बजट के साथ बाईस फरवरी 2019 को फॉप स्टार स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज मिली हुई थी इससे पहले धमाल के अच्छे अच्छे पार्ट्स आए थे जिस वजह से इस पार्ट की वजह से एक सीरीज फिल्म थी जिस वजह से इसका एक बस अच्छा खासा था जिसमें अजय देवगन जैसे बड़े स्टार देखने को मिले जिस वजह से फिल्म की एक अलग लेवल पे आ, मार्केटिंग चल रही थी और एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था जिसके चलते इस फिल्म को इंडिया में करीबन सैतीस सौ स्क्रीन मिले हुए थे वहीं पर ओवरसीज पे इस फिल्म को सात सौ छियासी स्क्रीन मिले हुए थे टोटल चौवालीस छियासी स्क्रीन पे इस फिल्म को रिलीज किया गया था और बाद में इस फिल्म को रिलीज करवाया गया जहाँ पे जब इस फिल्म को रिलीज करवाया गया इतनी स्क्रीन पे तो एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था वहीं पे इस फिल्म को पहले सात दिसंबर 2018 को रिलीज करने वाले थे लेकिन वेफ एक्स का काम कंप्लीट ना होने की वजह से बाद में इस फिल्म को 22 फरवरी 2019 को रिलीज किया गया था यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का सर्टिफिकेशन मिला हुआ था रन टाइम का जहाँ पे यू सर्टिफिकेट दिया गया था इस फिल्म को पहले पाकिस्तान में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ था उस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं किया गया था वहीं पे इस फिल्म के जो हैं उन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट किए गए थे पुलवामा अटैक में जो सोल्जर का मृत्यु हुई थी उनकी फैमिली को इस तरह से इस फिल्म के साथ रिलीज के वक्त घटनाएं घटी थी जब फिल्म को रिलीज किया गया तब एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था आई पे इस फिल्म को करीबन सात पॉइंट तीन की सॉरी चार पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई दस में से करीबन तिहत्तर सौ वोट मिले हुए जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था और उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने इंडिया से 16 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया था इसके अलावा बाद में इस फिल्म ने एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया फैमिली ऑडियंस की तरफ से जिस वजह से फिल्म का जो लाइफ टाइम डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन था वो एक सौ बयासी करोड़ नौ लाख का निकल के आया हुआ था और मार्केट में भी फिल्म ने करीबन छियालीस करोड़ अट्ठारह लाख का कलेक्शन किया था इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट कलेक्शन किया और तीन दिनों में इस फिल्म में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ था वर्ल्ड वाइड जहाँ पे 90 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने दो करोड़ 27 लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई थी अब बात करें इस फिल्म के ओ सैटेलाइट राइट्स के ऊपर तो इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो खरीदे हुए डिजनी प्लस होस्टार वालों ने वहीं पर इस फिल्म को डी डी और ब्लू राय प्रिंट पे सेमारो वालों ने रिलीज़ करवाया हुआ था फिलहाल में ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी आपको लॉग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म एंजॉय कर पाओगे टोटल धमाल के नाम के साथ इसके अलावा इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर पाओगे वहाँ पर इस फिल्म को कई बार प्रीमियर करवाया हुआ है तो इस फिल्म को आप वहाँ पर जरूर इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टोटल धमाल फिल्म आपको ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉट स्टार ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी विदाउट लॉग इन सब्सक्रिप्शन एवरी थिंग सबटाइटल सब वहीं पर इस फिल्म का टी वी प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो बस गाइज इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पर मैंने कहानी के ऊपर चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके दी हुई है स्टार का सौटिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी दी हुई है इसके अलावा इस फिल्म से जुड़े जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो भी शेयर कर दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू